बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंजा प्यारा दोस्तों साथियों सभी के सायरा अली खान जो सलाम कबूल हुए, बल्कि सिक भरो सलाम। जी नाज़रीन, जी तो तक खबर आस हर हफ्ते हर मौजू सादा थियूँ, पर उन पैर आऊँ सभी के चाहे डेह पर डे कुंड कुड़च जिते भी असा जहाँ नाजरीन उन सभी के भी मुझे दोस्तों जो भी सिक भरो सलाम। वो पा भी पेंे वादा भी तक सलाम कदम मिलंदूँ गल पर उन नंढड़ो बस इंट्रो दस तो मौजू छ मौजू इो है जो जे डिजास्टर हिंसर जो थो अड़ा हालात खराब थन उन मुश्किल परेशानियों आयो उन जे वरी जो हालात पैदा थियन पे छो ज अची तो वो डिजास्टर मसला भी थी वह पर पानी हर तरफ भर पो पानी भर तो उन बीमारियों भी शुरू थी वन बीमारियों शुरू थी वन तो वह बीमारी स्पेशली खास इन वक्त कड़ी हुए कड़ी थी सके थी वो तक खबर आ टीवी से मौजू हल माना हलंदी हूँ हेडलाइन डेंगी। डेंगी तमाम खतरनाक बीमारी है अगर दिठो वन पर जे अगर उन उपाव अस वूँता केयर त क्यों तो यकीन कर कुछ भी कोने उन सिम्टम्स ये जो तीन मथे में जिस्म में सूर थो बुखार उबड़का उल्टियों थन्दूँ इन से जो तक फील कुछ न कुछ अड़ो है छो बुखार तो लाजमी गल अगर बुखार नॉर्मली भी थे भले उल्टी थे न थे पर डॉक्टर के चेकअप जरूर कराज ये न तो वो डेंगू हुए नॉर्मल बुखार जो नॉर्मल गोरू खाईदे पा हलो खबर पे तो उन रिजल्ट बो कुछ निकतो इन लाई असा अज जो इन मौजू से असी डॉक्टर के भी घुरा है उन सा भी तारुफ कराइंदी पर चवंदस बी केयरफुली पेंो एहसास कर जो अड़े गंदगी वे इलाके का जो बाहर से निकली आया हो तो मेहरबानी करो तेरो सो आँ डॉक्टर जो तक मिलाया लाइव कॉल ला तक जो स्क्रीन पर नंबर हलन हों वो जरूर ऐसो 9923109 8 ठीक है यो नंबर था 9923109 8 इो तहां जो नंबर आ तान के कॉल करे सको ता पर जेको असानी जनरल फिजिशियन एकड़ी डाडी वडी डाडी प्यारी डाडी अट्रैक्टिव आ जनी उनन के मु जेको मेकअप रूम में डटो तो मुझे आ ये असानी डॉक्टर आ तो चैन ता हा ये ताजी डॉक्टर आ तो मके ये पे लगे असा सा गडी वो होस्ट पे लगे तो बहरहाल उनन जो तारुफ ता करायूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेविश जावेद। वालेकुम अस्सलाम जी। है ना मैंने सही नाम लिया ना? जी जी हां एग्जैक्टली। मेविश जावेद कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। चार होस्टों के बीच में बैठकर कोई डर या खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? अकेली हूँ, कैसे इन सब के सवाल आ दूंगी क्योंकि आप भी लेडीज हैं। नहीं नहीं मुझे बल्कि बहुत खुशी हो रही है। एक पहले है कि अच्छा है औरतों में बैठ के बड़ी खुशी के साथ बड़ी अच्छे और बड़ी बहुत एक अच्छा मस्ती भरा माहौल रहा। अच्छा मजे की बात है यहाँ हम लोग जब बैठते हैं तो ये होता है ना औरतें बोलती हैं तो ये मौका नहीं देती ये नहीं करती होती लेकिन यहाँ आपको बड़ी मजे की बात है हम लेडीज बैठ कर भी बहुत मुफीद बातें कर जाते हैं। बहरहाल हमेशा की तरह मैं वही एक जुमला जरूर रिपीट करके अपनी दोस्त की तरफ जाऊंगी कि ये गुलदस्ता हम ग्रीन कलर के फूल आप इसमें जो पसंद करें पर्पल ग्रीन व्हाइट आप हैं ठीक है ना और आज पर्पल सूट पहना है तो पर्पल आपका हुआ। सो नाज़रीन प्रोग्राम के कंटिन्यू करूं ता आई मुझी दोस्त फरजाना अफरीदी यानी खैबर पख्तूनख्वा जी तरफ ता दूं। अस्सलाम वालेकुम कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम सारा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो जेमस्तासी कुर्बा फरजाना अफरीदी हिलाल आलम चिरोगचूड़ और खुशाला बेस कदरमनो लकसंग चे पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम दे और हर संडे मुगदवना सरूर बजे कराची सेंटर ना बराए रास्ता सुपदराना खिदमत के हाजिर हो। कदरमनो लकसंग चे जमुंगा दा प्रोग्राम मकसद हम दावी च पदी के स्तासो गडुन हम देर जरूरी दे नो ददी दे पारा मुंग सरा टेलीफोन कॉल बांधे तासो राबता कवले शे खपल तपोसुना कवले शे खपल सवालुना मुंग ना तपोस कवले शे नंबर बजता सो ता वो एमआर 9923109 8 यूजर बबिया जखपल नंबर चिरे अगर रिपीट कम 9923109 8 दा जमुंग दा राबते नंबर दे तासु टेलीफोन कॉल उके कदरमनो लके जमुंग दा प्रोग्राम मकसद चिरे अगम हेशम गा हालात हाजरा चिरे चिसंग जमुंग दा मुल्क सिचुएशन भी पा अगम मुनासिबत बंदी मुंग खपल प्रोग्राम को कदरमनो दे नमख के उड़ान दे प्रोग्राम न कता सु कतली भी आगा चिरे मख के 14 अगस्त बंदी उबिया प सैलाब हकला बंदी मुंग प्रोग्राम को उनन सबा दा सैलाब औ दा बारानुनो न पस से कमी बीमारियां ने रागली दी औ बीमारियां नु बंदी चिरे दा टूल मल्क न सिर्फ कमुंगा द के पी के जिक्र रुकू कमुंगा द सिंध जिक्र रुकू कद बलोचिस्तान कद पंजाब ऑल ओवर पाकिस्तान के चिरे दा टाइम डेंगी चिरे अगा डेर बद ख्वार शवे दे नो डेंगी असल की दे स द दे अलामात से दी औ दीन इंसान संग चिदे बीमार भी बेति संग सेहत या बकी औ कम मौजू चिदे डेंगी अगस्ता सुपर स्क्रीन बांधे दे अगा हम तासु गोरे कदरमनो दा टाइम डेर अखले डॉक्टर
डॉक्टर साहिबा चिदा आगे तमुंगा बलना वर्कड़े द अखपल स्टूडियो था द आगे ना बमुंगा तपोसुना को ची डेंगी सदी ददे एहतियाती तदाबीर ची दी आगा सदी औ ददी न संग बच के दिल की औ ददे ची शुरुआत चिदे सड़ी तसंग पता चलेगी ची आगा आया द डेंगी पेशेंट ते नो कदरमन जुब अखपल मिलमने अड़खता द आगे तबमुंगा हर कले वायु ब्या बदागे ना तपोसुना को अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत आपको समझ आई गई होगी पश्तो? जी हाँ, थोड़ा बहुत आ गया आई गई होगी पश्तो तो बस समझ आई आ जानी चाहिए। डॉक्टर महवेश जावेद चिदा द लस कालोना चिदा ददे शुबे के द जनरल फिजिशियन द इब्ने सीना हॉस्पिटल के चिदा डेरा माशाला सीनियर डॉक्टर दा नो ददे न बत पोसु न कौ ची ससदी नो प्रोग्राम बमुंगा मख के उड़ान दे उड़ू और जरूरी दे ची सुबह पंजाब हम ची दखपल इंट्रोडक्शन की आगा हम देर ज्यादा जरूरी दे द प्रोग्राम स्तासु प्रोग्राम दे जी अफशा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान टाइम लैके थोड़ी अपनी मेज़बान अफशा सहर थोड़ी खदमत हाजिर हैगी। उम्मीद करने तो ठीक ठाक होवोगे और बहुत मज़े च होवोगे। साड़ी बेस्ट विशेस थोड़े नाल होंदियां ने हमेशा। और जिस तरह के तुसी जानदे हो कराची स्टूडियो तो बराए रास्त यह प्रोग्राम पेश किया जाता है 2 बजे तो लैके 4 बजे तक असी थोड़े नाल होने जिद सानू कॉल भी कर सकते हो और स्क्रीन पर गाहे बगाहे नंबर भी नज़र आता रहता है और हर दफा असी थानू दसने साड़ी जी चारों कॉम्पियर ने तुम्हें दस देने तो मैं भी तुम्हें दस देनी है कि तुम सानू कॉल करो 9923109898 हमारे राबते का नंबर है कि तुम सानू कॉल करो और साढ़े प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। जिस तरह के तुम जानते हो हर हफ्ते कोई ना कोई मालूमाती और मुफीद टॉपिक लैके आने क्योंकि हालात हाजरा के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह के असं देख रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले दिनों जिस तरह बारिशा हुई ने जिस तरह सैलाबी सूरत हाल जी पैदा हो गई और जिस तरह लोग अपने जड़े ने घर तो बेघर हो गए और कितने जड़े ने अफराध है और जां बहक हो गए। फिर उस तो बाद कहते हैं कि जो बारिश होंदियां ने तो फिर उस तो बाद जो पानी खलो जाता है जगह जगह तो फिर मुतद बीमारियां जड़िया ने वो जन्म लैंदियां ने। बीमारियां तो बहुत सारिया जन्म ले रही ने लेकिन जिदे अजकल सारे फहरिस्त है वह डेंगू है जी। नजरी डेंगी कहते हैं कि बड़ी खतरनाक जी बीमारी क्योंकि यदा इलाज तो कहें बर वक्त अगर कर ले तो वह असी जरा फायदा उस को हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर अद्धि देर कर दे दी तो वह कहते हैं बंदा जा वाहक हो जाता है। अच्छा डेंगी कहते की है मेरी कहते कलील जी मालूम है कि डेंगी एक मखसूस किस्म का एक मच्छर होता है जिद तुम्हें देखा होगा कि वो वाइट वाइट डॉट्स आते हैं और कहते हैं कि तुलू वे आफ्ताब यानी कि जो सूरज तुलू होता है और गुरूब जो हों उस वक्त यह जड़ा अटैक करता है तो कहते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी हो तुम कि जो कहते कि यह जड़ा मैं जो मेरी जी मालूम है कि साफ पानी के यह कहना पैदा होता है और एक दफ़ा या दूजी दफ़ा काटता है तो फिर वह कहते हैं डेंगी जड़ा बंदा जड़ा बीमार हो जाता है। अच्छा जिस तरह असं देखते कोविड के जो आया सी तो उस वक्त किन्ने लोग जड़े सन कोविड के मुबतला सन लेकिन उन्होंने पता नहीं चलता लेकिन डेंगी दे विच भी कुछ ऐसी सूरत हाल है क्योंकि मैं पिछले दिनों देख रही सी डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू तो वो दस रहे सन कि डेंगी जो हो जाता है तो काफ़ी सारे लोग इनू इग्नोर करते हल्का फुल्का बुखार है लेकिन यह मुआशरे के कहते बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती कि जो तुम मूव कर रहे हो सोसायटी के और फिर उ बंदा जरा फिर रहा जिन्होंने डेंगी है क्योंकि उन्होंने कट जाए फिर उ मच्छर दूजियां कट जाते फिर दूसरे अफराद में भी जोड़ा वो डेंगी हो जाता तो यदि बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ऐसी मुनासबत के नाल असी अच्छे टॉपिक जोड़ा अच्छा डेंगी है कि हस्पताल तुम देख रहे हो भरे हुए ने हस्पताल डेंगी के किन्ने मरीज है हालिया साड़ी फैमिली के भी एक 35 साल का मुंडा है यानी कि उन्होंने डेंगी होया फिर नमूनिया होया फिर वह जां बहक हो गया। इसी तरह ही साढ़े PTV के भी बहुत सारे लोग है जिन्हों कहते खुदा ना खास्ता सा ना हो लेकिन एक आध लोग जो मेरी नज़र तो गुजरे उन्होंने भी जरा डेंगी हो गया और आज कहने डिस्चार्ज हो जाएंगे तो कहता है मकसद येगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैल रही है बीमारी तो अगर तुम एहतियात नहीं करोगे तो यह तुम खुदा ना खास्ता इस को मुतासर हो सकते। ऐसी टॉपिक की गल कर बहुत काबिल डॉक्टर साहिबा साढ़े नाल मौजूद ने जो कि जनरल फिजिशियन है ने और अपने शोबे 10 साल का तजुर्बा रखते हैं और उन्होंने हाथ में भी जी बड़ी शिफा है और माहिराना राय देते हैं साढ़े नाल मौजूद ने महवेश जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। किस तरह के मिजाज ने बोल ही सकते हैं ना जी मैं तो ठीक हूँ तुम बताओ तो बाकी सब बता। तो थोड़ी उर्दू थोड़ी पंजाबी जी मिक्स लगे। हम आपसे जानेंगे कि डेंगू क्या है और इस हवाले से हम बात करेंगे लेकिन चूंकि हम 4 होस्ट हैं तो अब बलूचिस्तान की तरफ चलेंगे। हमारी हदील बहुत ही प्यारा बोलती है और अब देखिए वो कैसा बोलेंगे। हदील जी हदील यू
थैंक यू अक्षा. अस्सलाम वालेकुम मिले चारों का. मनो हदीन साहल अल बलूची शमरा दुरसेना वेलकम करना अपने मराकशिता. वेलकम टू पाकिस्तान टाइम्स. जो ने शुभ दुर्स उम्मीदें कि शुभ दुर्स वशो और उम्मीदें जी माँ अफशे ही निम्गे रही मैंने ख्याल अफशर चीज़ें कुछ भी हैं कमो टेक्निकल प्रॉब्लम है. अच्छा जी कदरमन लकसंग छि तासुदा प्रोग्राम गोरे और प्रोग्राम की जमुग सरा दा टीम डी रखले धरन मिल मना नास ता डॉक्टर महवी जावेद हदील बा इंशाल्लाह उस्ताद सु सरा खबर कई हो दा आगे माइक सेलेक्ट टेक्निकल आगे दे जब जुब दा सवाल तरफ ता यो तपोस पति को बिया सायरा हम रेडी नास ता सायरा बा तपोस के. अच्छा मैम अब मेरा जो आपसे सवाल है हमारी व्यूअर्स इस वक्त जानना चाहते हैं क्योंकि डेंगू जो है ना वो पूरे मुल्क में बहुत बुरे तरीके से फैल गया. अगर हम हॉस्पिटल का विजिट करें तो हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है और ये इस कदर खतर नाक है कि लोग जो है ना इससे अपनी जिंदगी जो है ना हार जाते हैं. आप बताइए कि डेंगू असल में है क्या और ये किस तरीके से एक इंसान के ऊपर अटैक करता है और क्या एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए. जी ठीक है. जैसे कि ये तो अब इतना कॉमन अवेयरनेस सबको हो चुकी है कि ये एक जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है इसका वायरस जो होता है. और बेसिकली इस वायरस में ये है कि ये इसके अंदर ग्रो करता है इस मॉस्किटो में और फिर जब ये जाके जिसको काटेगा उसके ब्लड में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है और 3 से 4 दिन लगते हैं इसकी शुरू की अलामात को सामने आने में. अच्छा। जिसके अंदर बदन का टूटना और सिंपल जिसको हम पहले कहते हैं कि भाई कोई वायरल सा फीवर हो गया है. अच्छा। लोग ये एक समझते हैं और लेकिन इसका जो जिस्म का टूटना ऐसा होता है कि वह नॉर्मल जो बुखार में जिस्म टूटता है वैसा नहीं होगा. अच्छा। आपको नॉर्मल एक सिंपल दवाई लेने से इसमें जो है आराम नहीं आ रहा होगा और फिर आपके जो है जिस्म बहुत टूटेगा वीकनेस भी साथ साथ शुरू हो जाएगी और फिर इसके सर दर्द इसकी मेन जो 3-4 अलामत हैं उसमें है कि इसमें सर का दर्द बहुत शदीद होगा. जोड़ तो दुख ही रहे होंगे उस इंसान के लेकिन इसमें सर का दर्द बहुत शदीद होगा. आँखों के पीछे की तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी कि उनसे देखा नहीं जा रहा होगा वो किसी चीज़ पर कंसनट्रेट नहीं कर पाएंगे. अच्छा कुछ की अलामत ऐसे आती है कि वो सिंपल फ्लू और नस्ले से शुरू होगा. अच्छा। और उसके बाद इस चीज़ के अलामत सामने आ जाएंगी. कुछ में हमारे पास पेशेंट्स में ऐसा आ रहा है कि वो स्किन की जिल्द की रैश के साथ हमारे सामने फौरन आ जाते हैं क्योंकि जाहिर है आजकल हर जगह पानी खड़ा हुआ है वहाँ से मच्छर काट रहे हैं किसी ने कुजाया वहाँ रैश हो गया. अब कोई ऐसा मॉस्किटो आ गया उसको काट गया जिसके अंदर ये चीज़ थी इन्फेक्टेड या ये है कि आसपास में से किसी को डेंगू था अभी उसके सिम्टम्स नहीं आए हमारे सामने. अच्छा। उसको काट के उस मच्छर ने आपको काट लिया तो आपके अंदर वो अलामत आ सकती हैं. तो ये इस तरह की चीज़ से ये चीज़ स्टार्ट होती है और एहतियाती तदाबीर इसमें वही हैं जो कि हम आजकल तो हर जगह पे बता रहे हैं ड्यू टू फ्लडिंग और ये जो पानी हर जगह पे स्टैग्नेंट है कि ये बेसिकली है तो ये फ्रेश वाटर के ऊपर ये वाला मॉस्किटो ग्रो करता है. और जाहिर है जैसे कि हमारी इन होस्ट ने बहुत अच्छा बताया कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग एंड देन मग़रिब के करीब का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये बहुत एक्टिव होता है और ये काट सकता है मच्छर इसको. अच्छा। तो उसमें ये है कि इसका ख्याल स्पेशली जो है या सुबह के टाइम पे जो है हम लोगों को कवर्ड क्लोथिंग में और एहतियात आप मॉस्पेल या कुछ इस तरह की चीज लगाएं. अच्छा डॉक्टर साहब अमूमन हम करते हैं कि जब मग़रिब का टाइम होता है ये मैंने पर्सनली भी नोट किया है कि आप उस वक्त क्या करें कि वो जो खिड़कियां दरवाजे जो हैं ये बंद कर दें. ये बंद कर दें जालियां लगी हुई 25 मिनट ये टाइम बंद करना होता है. अच्छा ये अब हो तो गया अब होने को तो हो गया लेकिन फिर वो पता भी चल गया और फिर एहतियात. लेकिन उसमें बहुत से कहते हैं कि करेले का जूस पिए कोई कहता है एप्पल का पपीते का मतलब जितने लोग उतनी बातें और फिर वो चीजें लेकिन खैर ये सच है कि ये सारी चीजें क्योंकि मैंने खुद भी देखी थी तो फिर मैं एप्पल के जूस में इस तरह की सारी चीजें डाल के मैं पिलाया करती थी. गाजर का जूस भी कहते हैं कि ताकत भी बहुत जरूरी होती है तो आप उसके बारे में हमें बताएं कि क्या करना. अच्छा इसमें आजकल हम डॉक्टर्स के लिए भी बड़ी ना एक कहते हैं कि ये चैलेंजिंग चीज एक बन गई है क्योंकि हमारे उसमें स्पेशली पपाया का जो पपीते का एक चीज थी जैसे कि कोविड में सना मक्खी का बड़ा दौर चला था. बिल्कुल तो कुछ को तो वो फायदा दे गया लेकिन कुछ को नुकसान भी दे गया. बॉडी के हिसाब से हर चीज की ज्यादा नुकसान देती है. exactly. पपाया के पत्ते को बॉईल करो और उसको पियो ये लेकिन एक मिथ नहीं है डॉक्टर. ये बेसिकली 50% स्टडीज़ जो है ना वो तो ये कह रही हैं कि अब इसका एज सच कोई रोल नहीं है.
नहीं है इसमें कि ये जो है ना बहुत ज्यादा आपको बचा लेगा या कुछ कर लेगा, उल्टा इसके इफेक्ट्स डेंजरस ही आ रहे हैं। डॉक्टर मैं ये सवाल करने वाली थी, क्योंकि जाहिर है लोग जब इतना ज्यादा उसको पीना शुरू हो जाते हैं, हम कहीं यही सिर्फ हमारे लिए मकदार है वो ज्यादा। मैंने पेशेंट्स देखे इसी वाले से मैं सवाल करना चाह रही थी। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छा तरीके से बताया कि ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स थे डेंगू के जिन्होंने कहा कि भाई हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि पपीते के पत्ते पीने से हम ठीक हो जाएंगे, वो लगातार पीते रहे और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये गलत साइन है और इस तरह करना नहीं चाहिए, ये हरकत ही गलत होती है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें अपनी। सेल्फ मेडिकेशन तो देखिए शुरू से ही नुकसानदेह है, एक हद तक तो चले ठीक है कि जो नॉर्मल चीजें हैं, जाहिर हर चीज के लिए भी आजकल की दुनिया में लाइफ इतनी बिजी है आजकल और इतनी स्ट्रेस होता है कि हर वक्त पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता। तो देखिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हर जगह बताया जा रहा है, फ्री इंफॉर्मेशन इतनी दी जा रही है, हम भी खुद फ्री ऑनलाइन बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं इस सिलसिले में, और जो डॉक्टर कहे उन्हीं के मुताबिक चलना चाहिए। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि जाहिर है उन्होंने जो 5-6 साल की अपनी तालीम हासिल की हुई है और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, तो जाहिर है वो उनके पास जो एक एक्सपीरियंस होगा वो आपके पास नहीं होगा। कोई ना कोई एक बात तो उनकी अहम होगी जो आपको फायदा दे जाएगी, तो उनकी सुननी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे सवाल है, मैं ये पर्सनली ही पूछना चाहूंगी आपसे कि मैंने ये सुना है कि जो डेंगू मच्छर है उसकी परवाज है वो घुटनों से ज्यादा वो परवाज नहीं कर सकता, आया इस बात में कितनी सदाकत है, ये सच है ये बात? कि हमारे पास तो ऐसे पेशेंट गया कि जिनको सिर्फ हाथ पे काटा और उसके बाद। अच्छा जैसे अभी आपने एक बात की कि अगर किसी को डेंगू है उसको कोई और मच्छर काट ले, या नहीं सिर्फ डेंगू का मच्छर ही काटेगा तो उससे डेंगू हो जाएगी, या कोई और आम मच्छर किसी डेंगू और ने भी काट लिया, अगर दूसरे मच्छर ने भी काट लिया और उसके ब्लड में इतनी कॉन्सेंट्रेशन है उस वायरस और उन सारी चीजों की कि वो उस तक ट्रांसमिट होगी, तो उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। तो सवाल किया कि मतलब फ्लाई कर सकता है ज्यादा ऊंचा या फिर इतना ही रहता है? देखिए वैसे तो ये पानी के ऊपर लेकिन आजकल जो है इसमें हम कुछ भी हो सकता है वाली कंडीशन आ गई, क्योंकि इतना डेंगू फैल चुका है कि हम सिर्फ इस चीज पे नहीं रह सकते, ये सदाकत है कि मतलब ये जो डेंगू का मच्छर है ये इसकी परवाह सिर्फ घुटनों तक ही है, ये कहते हैं। चलें जी ये बात तो होती रहेगी और तांगे खबर आ जी असा हमेशा लाइव प्रोग्राम जो कुछ शयूं अड़ी होंगे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे मजबूरी होंगे जो भापे भी विया हूँ सो असा उन्हें भी सॉल्व क्यों उन गड असा माई भागी जो एडो वो पाकिस्तान जो नालो सिंध जो नालो उन्हीं जो गानों भी बुधी अचूँ सो वापस अचूँ तारीफ भी करनी है सो बेक अची कस
वेलकम बैक नंढड़ी साड़ी खां वॾी साड़ी खणंदे वापसि अची विया आहियूं. जेको आहे उस्ताद जुम्मन, जेको पाकिस्तान जो सिंधु वॾो नालो माशाला सां माई भाॻीअ खां पोइ उनखे स्टार्ट करे छॾिया आहिनि, ऐं असां पाण हैरान हुआसीं छो जो हू गाना ॿई जुड़ियल हुआ, ख़बर न हुई हुननि खे, हुननि सम्झा सिर्फ़ु माई भाॻी थी अचे. पर इहे जेके नंढिड़ा नंढिड़ा गाना पिया हलंदा आहिनि इन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे, हिन जो वॾो हिकिड़ो नालो हूंदो आहे. जे तरीक़े सां हुन राग खे ॻायो उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान, मंज़ूर सखीराणी ऐं आबदा परवीन ऐं केॾा वॾा वॾा नाला आहिनि. इहे पाण पंहिंजे सिंधीअ जा पिया वठूं त सोचो अहिड़ा ई वॾा नाला पंजाब जा बि आहिनि, बलोचिस्तान जा बि आहिनि ऐं पंहिंजा ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जा बि आहिनि. सो बहरहाल उन मौज़ू ते बि को हिकिड़ो प्रोग्राम कंदासीं. पर हाणे आउं चाहींदसि छोजो जेको प्रॉब्लम हो उहो सॉल्व थी वियो आहे, पर तारीफ़ हिकिड़ी चयूं उहा ज़रूरु ॿुधाईंदसि. हीअ ॾिसो पिया न असां कीअं पिया झूलजूं, असांजी नई चेयर्स अची वियूं आहिनि सेट सां गॾु. सो उनजे लाइ सभिनी खे मुबारक हुजे. सो हदील इन ख़ुशी में तव्हां कुझु ॻाल्हायो. बिल्कुल यार सारा इतना रिलैक्स हम लोग बैठे हैं. जैसे मैं एंटर हुई ना, मैं और फरजान ये डिस्कस कर रहे थे कि अब शो अच्छा होगा क्योंकि सीट्स बहुत अच्छी हैं और सीट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली जो इंसान पान कंफर्टेबल हो तो प्रोग्राम करने में मजा होइंदो, समझो ना मुझे गल. बिल्कुल जी बिल्कुल. अच्छा जी गुले चारू का चुके शुमा जाने टेक्निकल इशूज तो बीते लाइव शो है तो प्रोग्राम में स्टार्ट कम टेक्निकल इशू बो गुरु में जल्दी जल्दी शुमरा बुशी मर्ची अम्मा गपुतरान के गए डेंगी बाबता शुमा जाने क्योंकि पाकिस्तान अनु सैलाब है सूरत हाल आई पत के हस्ते मुख्तलिफ जागिया आप उश्ताता और के हस्ते दोबारा के हस्ते मर्दुमाना मुख्तलिफ बीमारी भू गए डायरिया भू गए मर्दुमाना चिपशी गए बाज़ी मर्दुम के हस्ते डेंगी भू गए अने तब भू गए देर आर सो मेनी लाइक डिजीजेस. तो अम्मा हमेशी बाबत है गपतरान किन गए और अम्मे गुना मर्ची एक शरे डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर महविश जनरल फिजिशियन है एक शरे हॉस्पिटल का रहे हैं. तो अम्मा ये गुना गपतरान किन गए, सो लेट्स टॉक टू हर. अच्छा हम ये भी देखते हैं कि आजकल इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चों को किस तरह से हम लोग बचाएं, और बच्चे जो हैं वो पार्कों में भी जा रहे होते हैं, उनका एक एक्सेस बहुत ज्यादा है, वो रुकते नहीं है, उनको प्लेलैंड भी जाना है, उनको घूमना फिरना भी है, दिन बहुत मुश्किल है, उनको संभालना ही बहुत मुश्किल है. तो मैं पूछना चाहूंगी कि मैम डॉक्टर हम क्या करें कि निकलने से पहले कोई ऐसा क्रीम वगैरह कुछ लगाएं या कोई जूसेस या कोई मॉसफल वगैरह कैसे बचाएं बच्चे, इसका देसी भी इलाज बताइएगा कुछ. जी बच्चे तो बस देखिए यही होता है कि आप सबसे पहले इम्यूनिटी अपनी अगर स्ट्रांग रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन आता है वो माइल्ड अटैक करके निकल जाएगा. सबसे पहले तो यही है. तो कोशिश करेंगे बच्चों को, जैसे कि यही है कुछ तो मिथ्स हैं लेकिन कुछ एक्चुअल चीजें भी हैं, हम नेचुरली भी देते हैं लोगों को हेल्थ के लिए कि आप एप्पल जूसेस पिए और इस तरह से अपनी डाइट को इम्प्रूव कर लें जब भी ऐसे कोई वायरल वबा फैले बीमारी के साथ लड़ा जा सके. हाँ, आप अच्छे तरीके से उसको फाइट बैक कर लें. तो पहले है कि आप बच्चों की डाइट अच्छी रखें, उनको मल्टी विटामिन अच्छे दीजिए, चाहे अब वो शरबत के फॉर्म में दें या जैसे भी आप दे सकते हैं, आजकल गमीज और हर तरह की चीज़ें आ रही हैं. फिर आती है प्रोटेक्शन कि आपने प्रोटेक्शन कैसे कर दिया, वो तो शुरू हो जाएगी घर से ही कि आपने जालियाँ अपने घर में सही करवा ली, आपने कॉइल्स रख लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट रख लिए, स्प्रेस रख लिए और कवर वाटर को आपने कहीं पे स्टेगनेंट या रुकने नहीं दिया. अब गए जी बच्चे पार्क में जाना चाह रहे हैं, अब जाहिर है बच्चों को तो आप नहीं रोक सकते, कितने दिन कैद करके रखेंगे. तो फुल क्लोथिंग में आप जाइए, बच्चों को भेजिए मॉस्पेल वगैरह. हाँ जी मॉस्पेल लगाइए उनको पूरा जो भी एक्सपोज पार्ट है. मॉस्पेल लगाने से पहले फर्क होता था लेकिन अब मॉस्पेल भी लगाओ तो मच्छर फिर भी काट रहे हैं, लेकिन शायद इफेक्ट कम हो जाए थोड़ा बहुत. वो कहते हैं ना कि जैसे दवाइयों से रेजिस्टेंट होते हैं तो आजकल के जो मॉस्किटोज हैं वो मॉस्पेल से ना रेजिस्टेंट होते हैं. डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहूंगी कुछ लोगों को मॉस्पेल लगाने से ना स्किन की भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो सकती है. जी जी तो उसमें यही है कि आपके पास और सेफ वाले डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं. अच्छा और उसमें यह होता है कि फिर इचिंग वगैरह के लिए तो कैलोमिन लोशन या इस तरह की चीज़ें भी हैं कि आप वो यूज़ कर लें पहले थोड़ा सा. अच्छा। और मॉइस्चराइज कर लें ज़रा सा, पेट्रोलियम जेली जैसे है आप वो लगाएं तो वो भी एक लेयर आपकी स्किन पे बना देती है. तो यह है कि पियर्सिंग मालूम क्योंकि टॉपिक आ रहा है यही वाला. तो जैसे हम कहते ना कि जैसे मच्छर काट रहे हैं तो हम लोग वो लगा लेते हैं जैतून का तेल लगा लेते हैं या सरसों का तेल लगा लेते हैं तो उससे भी जो होता है मच्छर नहीं काटते नहीं काटते. और मस्टर्ड ऑयल का भी जो है हम लोगों के सामने पेशेंट्स ये बात करते हैं कि भाई हमने वो लगा लिया तो उससे बचाव हो गया, स्पेशली डेंगू के मच्छर ने हमें नहीं काटा. तो ये भी एक चीज है जो कि देसी टोटकों में आती है. जाहिर है मेडिकेशन अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह है और कुछ टोटके अपनी जगह है, न्यूट्रिएंट्स का इम्पैक्ट अपनी जगह है. तो हर चीज को साथ लेके चलना. जैसे हमारा ये टॉपिक था जी जी. हां सो बच्चों का ये है कि पहले तो आप उनकी डाइट सही करें, डाइट और फिर आप उनकी प्रोटेक्शन करें मॉस्पेल वगैरह से. और आजकल इतने सेफ मॉस्पेल और इस तरह की चीजें बेबीज के उन पे स्पेशली आ रहे हैं, बहुत से ब्रांड्स
है अंत तक आपको मेडिकल स्टोर वाले खुद ही बता देते कि आप ये लोशन ले लें और ये चीज कर लें, और वो ये है कि वो आप फेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे पहले हम डरते थे ना कि भाई मॉस्पल फेस वगैरह पे ना लगाओ कहीं आंख और उसके लिए डेंजरस है, तो अब ऐसी चीज नहीं आप लगा सकते हैं। हमारे घर में क्रीम्स आ रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की जो कि सेफ हैं, तो वो आप वो लगाइए और फिर उनको फुल क्लोथिंग में भेजें। और जाहिर है गर्मी है तो चलो कुछ पतले से सॉक्स पहन लें, क्लोज शूज हो उनके, जॉगर्स वगैरह, सैंडल्स में जाएं, ओपन जूतों में ना बच्चे फिरें। और यह है कि अगर सन में तो चलो कैप वगैरह लगा लेंगे, हैंड्स को फुल आपने कवर करना है, ट्राउजर या जीन्स वगैरह पहन के जाएं, तो इस तरीके से बचाव हो जाएगा। आपकी आपकी बात जो है ना, मैं थोड़ा सा अपने पश्तो व्यूअर्स को भी मैं कन्वे कर दूं, उनको बता दूं जी कदरमन लकसंग अच्छी तरह डेंगी पहाकला बांधी जमुंगा नन मालूमाती प्रोग्राम दे लकमा परुंदा और दिल्ली या माता परुंदा पता चले दिले वजमा मामा छे अगर डॉक्टर दे अगर भाई डेंगी मच्छर छे अगर घुटनों नंबर अच्छे थे परवाज नहीं शिकवल लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे थे आगे दा क्लियर कर कचा पेशेंट डेंगी भी नो बल मच्छर आम मच्छर हम का आगा डेंगी वाला पेशेंट ऊँची ची या बाइट पीऊ की नो आगा बल इंसान का ऊँची ची नो आगा ता डेंगी फौरन के देशी नो डेंगी एहतियाती तदाबीर दागा दी ची अक्सर कचा ता डेंगी भी नो आगा दे कोशिश कही 100% कोशिश कही ची मच्छरदानी ची दा आगे की दे अखपल सो रजी तीरी की और डॉक्टर से ची दे अगर राबिते डेर इजियाती जरूरी दी कपसर बांधी डेर से दर्द भी या उल्टियानी भी या वर्ता चेस्ट इन्फेक्शन भी या सा आखस्तू की वर्ता प्रॉब्लम ही पूछे चे अगता डेंगी दे और डेंगी चे दे कदा आगे बर वक्त इलाज होने शिनो बिया अगता खतरनाक सिचुएशन चे दे अगर हम सूरत चे दे अगर इख्तियार वाले सी। मैम सा मेरा आपसे ये भी एक क्वेश्चन है कि डेंगी किस वक्त बिगड़ जाता है, उसकी सिचुएशन किस वक्त सूरत हाल जो है ना खतरनाक, जैसे अभी केपीके में मैं अब आज देख रही थी कि 5 से 6 अफराद जो है मुजाम्बहक हो गए हैं, तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि वहाँ तक हम बर वक्त अपने आप को सेव कर पाएँ और ऐसी कौन सी गिजाएँ लें या ऐसी कौन सी मेडिसिन यूज़ करें कि हमें जो है ना वो खतरनाक सिचुएशन ना फेस करना पड़े। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि वैसे तो नॉर्मली जो दूसरे बुखार होते हैं हम उनमें कहते हैं कि आप कोई भी पेन किलर एनसिड्स हो या कुछ भी हो आप हर किस्म का ले सकते हैं जो आपके बॉडी एक और फीवर को उतारते हैं। जब भी वायरल फीवर की जहाँ पे बात आती है और फिर हम उसमें कहते हैं कि भाई सिर्फ पैनाडोल, हाँ पैरासीटामोल या पैनाडोल के आप जो है ना यूज में वो चीज कीजिए, तो उससे ये है कि अच्छा ये ड्रिपें जो लगना शुरू हो जाती हैं, ड्रिप्स लग रही हैं और जिस्म में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये देखिए ये हर चीज जो है ना हम पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन में ये चीज जाती है। कुछ होते हैं जिनको सिंपल माइल्ड सा है भाई वायरल फीवर हुआ है, उनकी ब्लड रिपोर्ट हमारे पास नॉर्मल ही आ रही है, थोड़े बहुत प्लेटलेट्स आगे पीछे हैं तो हम उसमें उनको तसल्ली देते हैं और घर के ट्रीटमेंट्स पे रखते हैं। ये आपने जो नाम लिए अपने अगर उसमें वो नहीं मिल रही तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? आजकल है ये सारा आजकल देखिए बहुत के एक तो स्पेशली जो ये मौसम आता है इसमें चीज थोड़ी कम हो जाती है आपको पता है, तो देखिए पैरासिटामोल एक्सटेंडेड पैनाडोल एक्सटेंडेड इस तरह की चीजें हमारे पास हैं और अभी तक तो अवेलेबल हैं। बीच में थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा था, पैनिक एक मच रहा था, हॉस्पिटल्स में भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन दोबारा से अवेलेबिलिटी आ गई है। लेकिन मसला यही होता है कि वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा महंगा होके आ गया या इस तरह का, वो तो हमारे यहाँ जो बेचने वाले हैं ना वो दूसरों पे इल्जाम बहुत ज्यादा डालते हैं लेकिन बस ये होता है कि वो कहते हैं बस थोड़ा कमाई का जरिया बन जाए। बहरहाल इस वक्त मैं ये भी कहूंगी कि जाते जाते कह रही हूँ सॉरी लाइव काल में सब कुछ थी सके तो सो हिंजर जी के हालात हलन पे तो असा वजीर आजम जिला चवंदा सी तो मेहरबानी करे उन जे फंड में जमा कयो छो जे तपान दिसो पे तो हु केतरो कम कन पे आई कोशिश कयो पूरी तो पेंजे पाड़ेसरिन के जे के इन तकलीफ में आई हिंजर डेंगी जो टेंशन के दो वडो ही खतरनाक पे हले सो कोशिश कयो अगर एकड़ी जिंदगी भी बचाए छन तो सारी इंसानियत बचाए छन जे अगर रूह के राहत न मिलंदी सुकून न मिलंदो के बचाण जो तो लाजमी गाल पेंजे अंदर में जे केड़ो गिल्ट हुंदो न इंसान के पाणे मारी खिंदो बगैर डेंगी जे सुने के जो मेहरबानी करे थोड़ो ख्याल कजो आई पेंजो पाण के एहसास दियारो तो असा जे फराइज छन असा बेन ते सिर्फ इल्जाम तराशी कयो ता पेंजी जात दा नथा नियारियो चवना हमेशा एकड़ी आंगुर अगया चार पाण दा सो उन जो खास ख्याल करें मेहरबानी कयो जेके तहां जे पाड़ेसरी हैं थोड़ो डिस्टेंस ताई जिते असा नथा पहुंची सकू असा इल्जाम तराशी उन मु डठो उन सोशल मीडिया ते आउ दिसा पे एक मंते मना लुटमार लगी पई आ झगड़न जी हन ही न कयो हन ही न कयो यार कुछ कोन तो थी सके एकड़ी डाडी सुठी कहावत आ अपनी घोट त नशा होई सो पेंजो कम के पाण दिसो पाण पेंजे ला ता छा ता करे सको एतरो टाइम मिले ना हो तो चैन ला ता हन ही गलत कियो हन ही सही कियो ता पाण छा कयो असा बंधन ते वही उने बर्बादी रे आगे आची वे उने का पोबस इल्जाम हणू ता बेन ते त हन सा के बर्बाद कयो उने छो बर्बाद कियो इयो ही मैदान ता के बी जगह ते मिली सके ते पर ता के सहूलत खपे पाणी जी जडी पाणी जी सहूलत खपे त लाजमी इयो त करणो आ
सो बहरहाल गालू कदा भी सो सब दोस्त इस पर की बहुत अच्छा सवाल है। हां ठीक है अब थोड़ा सा मैं अच्छा ठीक है ओके इसके बाद फिर मैं आपने बताया था तो मैंने कहा मैं भी बता दूं थोड़ा। हां वो गेप आ गया पंजाबी में कहते हैं कि जिस तरह सैलाबी सूरत हाल हैगी और इस वक्त जिस तरह कहते ने मर्ज जेड़े ने अमराज जेड़े ने बहुत ज्यादा फैल रहे ने तो जिद्दे भी तुहानू दस्सिया है कि डेंगू इस वक्त चारों सूबियां दे विच इदां दे मरीज जेड़े ने पाए जा रहे ने जिस तरह डॉक्टर महवीश जावेद दस रहे सन कि अगर तुसी मास्क पहन ला लैंदे हो हत्थां पैरां ते तो तुहाडी जिहड़ी बचत हो सकदी है महफूज रह सकदी है। इसी तरह असीं डरने सा कि फेस ते असीं नहीं ला सकदे मास्क पहन क्योंकि असीं सानू भी याद है असीं मैं मतलब हत्थ ते ही ला लैनी सा या पैरां ते ला लैने सा ते फेस ते नहीं असीं लांदे लेकिन असीं तुसीं अपने मूँह ते भी ला सकदे अपने फेस ते भी ला सकदे हो ताकि तुसीं कहिंदे ने कि इस मच्छर तो बच सको और इस तों इलावा ना सिर्फ डेंगू बल्कि दूसरे मच्छरों तों भी बचत होनी बड़ी जरूरी हैगी है। और इसी तरह कहिंदे ने कि जदों सूरज तुलू होंदा है और उस वक्त यह मच्छर जिहड़ा कटदा जदों सूरज गुरूब होंदा है तद इस मच्छर जिहड़ा कटदा और जिहड़े कि ठहरा हुआ पानी जिहड़ा होंदा ना तो वह कहिंदे ने कि वह तुसीं बिल्कुल नहीं रखना पानी जमा जिथे तुसीं देख रहे हो फौरन उहनूं जिहड़ा साफ करो क्योंकि उस पानी दे विच मच्छर पैदा होंदा है और फिर इस तरह करके एक नूं लगदा है फिर दूजियां नूं लगदा है फिर इस तरह करके बीमारी जिहड़ी है सराइत कर जांदी है दूसरियां दे विच ते एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी करनी हैगी। जिस तरह असीं देख रहे हाँ कि सैलाब दे विच बहुत ज़्यादा पानी जगह जगह ते खलो गया अगर तुसीं मुमकिन हो सके कहिंदे कि अपनी मदद आप दे तहत क्योंकि गली मोहल्लियां दे विच अपने घर दे विच कहिंदे कि स्प्रे करना चाहिए ताकि इस मच्छर तो अपने घर जरा महफूज रहन लेकिन गली मोहल्लियां दे विच हो के अगर मच्छर पैदा हो रहे तो तुहाडे घर भी आ सकदा है तो एहतियाती तदाबीर यही हैगियां ने कि तुसी जेड़ा है खिड़कियां दरवाजे अपने बंद कर लो और ना सिर्फ पता चले कि तुसी बंद ही कर लेने और कोई काम नहीं किया तो यह भी गलत है काम सारे पूरे करने ने जिस तरह के बच्चे गार्डन दे विच जांदे बड़ी क्योंकि मेरे भरा दे जिहड़े बच्चे ने वह अक्सर गार्डन दे विच जांदे ने तो उन्होंने कोई मच्छर कहिंदा कि तू आ के बताती है कि हमें ना मच्छर ने काट नहीं कहीं डेंगू वाला तो नहीं था तो उस वक्त बच्चे जेड़े ना बड़े बड़े क्यूट लग रहे सन कहा नहीं ये डेंगू वाला बिल्कुल नहीं है ये ऊपर ऊपर काटा नीचे वो काटता है तो एहतियाती तरह बहरहाल कहते हैं कि यह जी एहतियाती तदाबीर जरूर करनी है और डॉक्टर साहिबा को एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है जी मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि डॉक्टर साहिबा है और वक्त हमारे पास कम है और डॉक्टर्स जो है ना बड़े बहुत कम हाथ पे आते हैं और इस वक्त ये भी समझे कि हम चार इस वक्त पेशेंट ही बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहिबा मेरा आपसे सवाल है कि जब डेंगू मच्छर काटता है तो ये प्लेटलेट्स पे ही क्यों अटैक होता है इनके प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं और असल में व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि प्लेटलेट्स है क्या इनकी कमी से जो है ना इंसान की मौत वाकया हो जाती है इस बारे में थोड़ा बताइएगा। बेसिकली हमारे खून के अंदर जो है ना तीन चार किस्म की चीज़ें हैं जो कि इंडिकेटर्स होते हैं। एक हमारा जो है ऑक्सीजन लेके हार्ट तक जाता है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। WBCs होते हैं जो कि इन्फेक्शन वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन हमें बता देते हैं कि जहाँ हमें इन्फेक्शन हुआ तो वो उसका काउंट रेज हो जाता है। फिर उसके भी आगे तीन चार सब टाइप्स हैं जिसमें हमें ये डिफ्रेंशिएट होता है कि भाई ये वायरल हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है या सिर्फ एलर्जिक है या इस तरह की चीज़ है। इसी तरह प्लेटलेट्स का काम जो है वो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि वो खून को जमाने के काम में हमारी हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, ठीक अच्छा। है तो प्लेटलेट्स इसमें इसलिए इम्पेक्ट करता है क्योंकि जब वायरल इन्फेक्शन जो होता है तो ये लिवर और कुछ चीज़ों पे जाके एक्ट कर रहा होता है वहाँ पे और हमें वही चीज़ वहाँ पे मॉनिटर करनी पड़ती है। तो ये कितने दिनों में होता है मतलब एक दो दिन या वन वीक लगता है? दो तरह से हमारे सामने प्रेजेंटेशन आई हैं और मैं पर्सनली भी अभी मैंने जैसे 15-20 ट्रीटेड पेशेंट्स मैंने एक हफ्ते में किए हैं तो उसके अंदर ये था कि कुछ के प्लेटलेट्स शुरू में डाउन नहीं हुए थे शुरू में उन वो बुखार की कैफियत के साथ आए थे तो हमने उनको देखा तो उनके साथ ये हुआ बेचारों के साथ कि वायरल तो उनको डेंगू चल ही रहा था और साथ उनको ऊपर से कोई और इन्फेक्शन भी हो गया था जिसमें UTI हो गया डेंगू वो टाइफॉइड हो गया मलेरिया हो गया किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। अब उस चक्कर में हमें उनको जो है फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी। तो प्लेटलेट्स काउंट्स कितने होने चाहिए? 4 लाख तक की रेंज है इनकी 2.5 से 4 लाख तक की रेंज हम कहते हैं कि भाई ये एवरेज है और नॉर्मल है और इससे ज्यादा फिर ज्यादा हो जाए तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है इस वक्त। लेकिन यह है कि अगर कम होना शुरू हो तो हम जो लीथल लेवल एक होता है वो हम 50 डाउन पे एडमिशन का उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। 50,000 से कम पे क्योंकि उसमें यह होता है कि हमें एक प्रॉपर मॉनिटरिंग चाहिए होती है। ठीक है उससे पहले तक यह है कि अगर कम हो रहा है और बढ़ रहा है डेली हम यही पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप
अब देसी बीसी की रिपोर्ट करवाते रहो घर में और मॉनिटर करते रहो, 5000 गिरेंगे 5000 बढ़ेंगे उसमें परेशान नहीं होना। एक छोटी चीज ऐड करूंगी फिर अक्षय की तरफ जाऊंगी कि जब प्लेटलेट्स लेवल 50,000 से भी डाउन हो जाते हैं उसके बावजूद भी लोग घरेलू टोटके यूज कर रहे होते हैं वो कितना डेंजरस है कि आप घर में बैठ के ट्रीटमेंट कर रहे हो। हाँ, वो इसलिए डेंजरस है कि देखिए प्लेटलेट कम होना शायद उनको इतना खतरा ना दे, लेकिन अगर घरेलू टोटकों की वजह से खुदा ना खास्ता उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन तो बिगड़ सके, तो वो घर में तो कंट्रोल नहीं होगी। कुछ एक्टिव इन्फेक्शन के लिए हम गोलियों से ज्यादा असर जब हमें चाहिए होता है तो फिर हम वो आईवी रूट लेते हैं उसके लिए, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू हम दवाई देते हैं जिसका थोड़ा जल्दी असर आ जाएगा, यानी कि अगर एक चीज 6 घंटे में जो असर करनी थी वो आपको 3 घंटे में असर करेगी तो आप थोड़ा बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहुत जबरदस्त बात थी, लेकिन मैं अपनी दोस्त अफशा की तरफ जाने से पहले एक बहुत हंसी की बात उस वक्त अफशा की बात पे आई थी तो मैंने कहा उसको उसके साथ क्लिक करूं, लेकिन हमारी दोस्त का सवाल था तो फिर सवालों पे सवाल हमारे जब होते हैं तो हमें मौका नहीं मिलता। सो जो है जिसपे मैंने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा कि पानी डूबता होता, मैंने कहा एक बहुत अच्छी सी मिसाल है, बहता हुआ पानी जिंदा छोड़ देता है, अगर रुकाए तो डुबो के मार देता है। तो पानी को खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी खड़ा हुआ तो डेंगू बहुत होंगे। तो अफशा आप हमें किसका गाना सुना रही हैं? अच्छी बात की सायरा ने कि वाकई कहते हैं कि पानी अगर खुलो गया तो समझ लो डेंगू हो गया। के प्रोग्राम में कहते हैं कि डॉक्टर साहबा की माहिराना राय हमारे साथ है और डॉक्टर साहबा से मजीद हम सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त साईं ज़हूर दा बहुत खूबसूरत लोक गीत इस वक्त तैयार ही गए, फिर उस तो बाद असी तुहानू फिर ज्वाइन करने हैं। जबरदस्त मैं तन दा माफ खवाया यार नगर I'm not afraid to die.
अर्श दे वाला हो जा भोला तू लाजनी जी नाजरीन वेलकम बैक और कहें कि लाइव प्रोग्राम होता तो तब पता ही नहीं होता कि लाइव आ गए क्योंकि यही खूबसूरती होती है प्रोग्राम की और अज असी गल कर रहे हैं डेंगी ते और डेंगी जिस तरह के तुसी देख रहे हो कि चारों सूबे नूं उन्होंने मुतासर किया और डेंगी दे हवाले दे नाल असी गल कर रहे हैं और साडे नाल बहुत जबरदस्त डॉक्टर महविश जावेद साहब साडे नाल मौजूद ने। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह से डेंगी से महफूज रह सकते हैं। अच्छा मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि क्योंकि डेंगी के बहुत मरीज हैं, अस्पताल जो हैं बहुत कहते फुल हो चुके हैं डेंगी के मरीजों से, अब जैसे घर के अंदर कोई डेंगी का मरीज है जी जी, तो हम किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, किस तरह उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसको इस बीमारी से बचा सकते हैं, आप बताइएगा। सही ठीक है, देखिए उसमें यही होता है कि जैसे कि इसमें बुखार होगा, वीकनेस होगी, तो कोशिश करें कि पेशेंट का इंटेक बेहतर रहे, ठीक है, खाना पीना वो कुछ ना कुछ करता रहे, ठीक है। एक उसका पेट का ख्याल रखना है कि पेट खराब ना हो, क्योंकि अच्छा। जाहिर है जब वैसे ही ऑलरेडी वो कुछ खा पी नहीं सक रहा होगा और बुखार में तो आपको पता है कि नहीं इनिशियली खाया जाता कड़वा मुँह हो जाता है, मेरे में तेजाबियत है, उल्टियाँ हो रही है, तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वही कर रहे होते हैं में वायरल फीवर में, क्योंकि वायरल फीवर ने खुद ही सबसाइड होना होता है अगर वो सीधा सीधा रास्ते पे चल रहा है। तो उसमें यह है कि आपने जो है बुखार उनको नहीं होने देना, टाइमली आप उनको बुखार की दवाई देते रहे हैं जिसमें दो गोली पैनाडोल है, पैनाडोल एक्सटेंडेड है तो उसकी एक गोली आपने दे दी, ऐसा करके आप जो सेब है मेरी सिस्टर को हुआ था डेंगू ना, तो बड़ी हम लोग तो बहुत परेशान हुए कि लाइक उसको कैसे हो गया डेंगू, तो फिर उसने जो है सेब और जो होता है ना उसका जूस निकाल के पिया, जूस निकाल के, तो जाहिर है देखिए पेशेंट जब खाना पीना नहीं कर पाएगा, फ्रेश दो घंटे के फ्रेश जूस फ्रेश हर दो घंटे के बाद तकरीबन आप बेशक वो देते रहे, क्योंकि देखिए जो ड्रिप ने वहाँ हॉस्पिटल में काम करना है और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और आपके फ्लूड को बेहतर करना है, आप क्यों ना वो चीज घर में कर लें, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो है ना डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने से भी बड़ा घबराते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और बहुत सी टेंशन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब बार बार तो उन्होंने इसका इलाज किया क्योंकि उनको पता चला कि लाइक ऐसे है, तो फिर डॉक्टर्स ने बताया कि भाई ये इतना इतना है आपका, हम आपको एडमिट नहीं करें, आप इसका खुद से इलाज करें घर में करें, और हर आधे आधे घंटे बाद जो है जूस निकाल कर दिया जा रहा था। हाँ। और यकीन करें कि वो इतनी जल्दी सेहतयाब हो गई माशाला, उन्होंने ये कहते हैं कि आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो होती है ना वो भी बड़ी काउंट होती है कि आपने ये काम करना है, आपने बीमार होना नहीं है, कुछ भी करने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है, वही उर्दू में कुव्वत मुदाफ़त और तो ये जो विल पावर होती है आपको बीमार होने से बचाती, क्योंकि मैंने देखा ऐसे ऐसे मरीजों को जो बहुत बड़ी बीमारियों में थे, डेंगू भी एक तरह से लेकिन दूसरी बीमारियां भी उनको से भी फाइट की जा सकती है कि जब आप अपने अंदर ये तहैया कर लें कि आपने बीमार नहीं होना, अच्छा इस वक्त एक बहुत अच्छा सवाल तो उसमें से निकलना है, निकलना है। एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी उसकी छोटी सी चीज, इसका एक बहुत खास सवाल, वो ट्रेन में चलते हुए आते हैं जहां है निकल पड़े, एक ऐड ऑन करूंगी ना, अफशा भी एप्पल की बात कर रही थी तो हम ब्रेक में, आजकल सीजन भी है, सीजन भी है, ब्रेक में हमें क्या कहते हैं हमारी प्यारी सी होस्ट बैठी हुई है, उन्होंने सायरा ने हमें एप्पल्स दिए आज, तो मैंने कहा एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर्स अवे, तो मैंने फिर मैम से पूछा मैम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं वाकई ऐसा है, तो उन्होंने कहा हाँ वाकई ऐसा है, है ना मैम है जी है, क्योंकि सायरा इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं फ्रूट्स आपके, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स और ये सब होता है, तो आपको जाहिर है बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब आप खुराक अच्छी बात अगर आपकी डाइट अच्छी है, डाइट अच्छी तो है, आपको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, पानी है उबला हुआ पानी है और हर चीज को आप साफ सुथरा करके खा पी रहे हैं, इत्तेदाल से खा रहे हैं,
तो क्यों आपको जरूरत पड़ेगी? अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने पानी की बात की, वो कहते हैं उबला हुआ पानी, तो चूंकि अब जो कि सैलाबी सूरत हाल है, कुछ लोगों के घरों में उबला हुआ पानी पिया जाता है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो जो अब ये जो सैलाबी कैफियत है, अब जो पानी उबलता है तो मैंने देखा है कि पानी के ऊपर एक तह बन जाती है, मतलब एक पूरी गंदगी व्हाइट आ जाती है, तो जी तो आया वो भी पीना पानी मुनासिब है? क्योंकि इसमें अगर फिटकड़ी घोल दी जाए हल्की सी तो वो गंज जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। आपके पास कोई भी तरीका हो, आप फिटकड़ी डाल दें, उसको रख दें, वो पानी भी साफ हो जाता है, ठीक है, आप उसको पी सकते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ जेल सा आ रहा है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आप उसको छान लें और पी। अच्छा, पानी में कड़वाहट होती है, क्योंकि इन दिनों में जो आ रहा है पानी के अंदर, बॉइल भी कर लें डॉक्टर साहब, फिर भी कड़वाहट आ रही है, इसलिए कि एडेड में जो है ना चीजें डाली जा रही है वाटर प्लांट्स और इसमें ना, तो क्लोरीन और इस तरह की जो चीज एड की जाती है उसकी कभी स्मेल भी आपको आ सकती है, कभी इस तरह की कड़वाहट भी आ सकती है। तो ये चीज नॉर्मल है आजकल, क्योंकि वो ज़ाहिर है प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ पे स्मेल आ जाए तो वहां पे आपको अलर्ट होना, कि ये ना कि कहीं से ये जो सीवरेज जो इस तरह का पानी ना मिक्सिंग हो रही हो, तो उस पे आप अलर्ट हो सकते हैं। अच्छा हदील, सॉरी, सिर्फ एक पॉइंट से पूछी थी कि अच्छा ये सब कुछ खाना पीना अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि देखिये चार हिस्से होते हैं, जिसमें आपको दो हिस्से खाना खाना है, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस के लिए, जो कि वो भी बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी खा रहे हो लेकिन उसकी एक लिमिट जो है, वो क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, ताकि आप में एक एक्टिव, आप एक्टिव रहें, और आपको सांस में या उठने में बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये किसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है इसमें, एक बैलेंस डाइट जो करना है, तो बस उसी चीज को फॉलो करें, किसी एक चीज के पीछे ना लग जाएंगे, बस वही चीज करनी है। अच्छा, मेरे एयरपीस में भी आवाज आ रही थी कि हदील तुम इतना खामोश हो, मैंने कहा मैं सुबह से तो बोल रही हूँ, मतलब। अच्छा चले, एक और क्वेश्चन है, हमारे फेसबुक जो फॉलोअर्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे होते, कॉल नहीं कर पाते तो उधर क्वेश्चंस थ्रो कर देते हैं अपने, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि मैम वो पूछ रहे हैं कि जैसे पहले हम अगर मलेरिया को देखें, जब मलेरिया ट्रीट होता है तो उसके बाद उसके सिम्टम्स जो है वो तकरीबन एक साल बाद दोबारा शो होते हैं, तो इसी तरह क्या कोई डेंगू का पेशेंट है और वो जब रिकवर हो जाए तो कैन आफ्टर रिकवरी कैन फेस सम साइड इफेक्ट्स इयर्स आफ्टर रिकवरी? देखिए, थोड़ा वीकनेस इज द मेन साइड इफेक्ट जो इसमें आता है, उसको तीन चार महीने लगते हैं कोप अप करने में। आपकी जो अपनी ब्लड रिपोर्ट जो होती है ना, एक आप एक जो ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, उसको भी तीन से चार हफ्ते लगते हैं नॉर्मल आने में, एक आइडियल कंडीशन बनने में, तो यही इसकी चीज है। और दूसरा यह है कि डेंगू रिकर हो सकता है, हो सकता है। देखिए, डेंगू की चार सीरो टाइप्स तो अब हमारे सामने आ गई है, अभी हम NS1 को लेके ही उसी के नारे मार रहे होते हैं, लेकिन NS2, NS3 एंड NS4 तक तो आ गया है, तो एक से रिकवर करके उसको दो तीन हफ्ते, तीन चार महीने बाद दोबारा डेंगू हो सकता है, और हो सकता है वो दूसरी सीरोटाइप से भी हो जाए, तो इस यही है। तो और वो और सीवियर होता जाएगा या? देखिए, थोड़ी बहुत तो इम्यूनिटी होती है, लेकिन जाहिर है हर सीरोटाइप का कोई ना कोई एक चीज हो, कोई कॉम्प्लिकेशन उसके उस पेशेंट के हिसाब से सामने आ सकती है हमारे, तो हमें यही है कि उसमें फिर हॉस्पिटल मॉनिटरिंग और प्रॉपर डॉक्टर के अंडर का ट्रीटमेंट आप जरूर कीजिए, आप फिर बार बार उसको घर में लेके ना बैठिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने बताया कि जिसको अगर डेंगू है तो वो मुसलसल जो है ना मशरूबात का इस्तेमाल करें, जूसेस इस्तेमाल करें, या पपीते का जो जूस है उसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल दें, या खुराक क्या देनी चाहिए? मतलब खुराक देखिए, इनिशियली जो है हम लोग जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप सॉलिड चीज़ जो सख्त चीज़ों से परहेज करें, नरम गज़ा पे आ जाए, खिचड़ी है, दलिया है, फिश हो जाती है, फिश अगर जिसको टॉलरेट होती है वो खाए, आप नॉर्मल चिकन या नॉर्मल गोश्त जो है वो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत गला वाला हो, बहुत नरम नरम, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों वाली ग़िज़ा पे आ जाए, या हम डायरिया में जैसे कहते हैं कि खिचड़ी योगर्ट बनाना हो गया, इस तरह की चीजों पर आ जाए, आप नरम ग़िज़ा पे आए, जो खिचड़ी बन जाती है, वो भी जो जिस हद तक वो पेशेंट टॉलरेट कर सक रहा है, उसे बर्दाश्त हो रहा है, उस हद तक आप उसको खिलाएं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, अक्सर उन सिम्टम्स चले कम भी हो, एक आध शो हो रहे हो, लेकिन बिकॉज मेरी तीन सिस्टर डॉक्टर्स हैं, तो वो कहते हैं कि फिर भी आप ना एक जाके अपना टेस्ट करा लिया करें डेंगू का। प्रॉब्लम ये, मतलब अगर वो 1500 का टेस्ट है या 2000 का टेस्ट है, तो वो आपकी जान से तो बेहतर है ना, भले नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, भले पॉजिटिव ना आए। डॉक्टर, व्हाट यू से कि अगर हमें डाउट हो रहा है तो हम अपने बड़े
क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो तो फिर भी उनका इम्यून सिस्टम वो किसी ना किसी तरह से फाइट बैक कर लेते हैं, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि फौरन उनका आप टेस्ट करा लो अगर आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं. एग्जैक्टली यही चीज़ है. और मैं तो बहुत अच्छा आजकल अवेयर लोग हो गए हैं और मेरे पास ओपीडी में आते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप इजाज़त दे दें और मैंने करवाना है ये टेस्ट, ठीक है. और कुछ तो खुद से करवा के भी आते हैं. अच्छा। तो अच्छा है कि बेहतरी है, आपके अंदर से डाउट भी ख़त्म हो जाता है. और ये है कि डेंगी NS1 का जो टेस्ट है वो तो वैसे ही 3-4 दिन में पॉजिटिव होता है. जब तक आप पे भरपूर अलामत आना शुरू हो जाती हैं आपको डाउट खुद भी हो जाता है कि हाँ ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं हो रहा. तो टेस्ट भी उन दिनों पॉजिटिव आपके साथ क्या हो रहा है और ये नॉर्मल से हट के चीज़ हो रही है तो उसमें ज़रूर करवा ले. क्योंकि देखिए अर्ली डिटेक्शन अर्ली प्रिवेंशन हम इन चीज़ों पे चलते हैं. अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी तो आप उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, जल्दी कंट्रोल में चीज़ आ जाएगी, जल्दी रिकवरी हो जाएगी. जितना उसको आप लेके बैठे रहेंगे ब्लाइंडली तो आपको नहीं पता कि आपके साथ फिर आगे क्या होने वाला है. और फिर आप बिल्कुल अगर डेंजर जोन में आ जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो हो सकता है डॉक्टर्स अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद भी आपको उतना सेफ ना कर पाए जितना कि आप पहले हो जाते हैं. तो आप बेशक टेस्ट करवा लें. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह डेंगू की बात हो रही है तो जहाँ हम कहते हैं कि खड़ा हुआ पानी बाहर अगर आप देखते हैं, लेकिन हम घरों में भी जब कपड़े धो रहे होते हैं, बल्कि मेरी छोटी बहन ने कपड़े धोए तो मैंने उसे बहुत डांटा कि उसने पानी जो था वहाँ पे रख दिया खड़ा हुआ ना, तो वो मैंने जाके उसको फेंका. तो हम लोग बेदिहानी में ये काम कर जाते हैं कि जैसे कपड़े धो लिए तो पानी अंदर ही रह जाता है, या हमने बर्तन धोए हैं तो बर्तनों में भी कुछ पानी पड़ा रह जाता है तो उसमें भी. तो उस हवाले से आप बताइए. हम उसके लिए कैसे केयर करें? देखिए यही होता है कि आपने अगर जब भी भर के रखना है, फॉर एग्जांपल स्टोरेज का मसला है या कुछ भी है, तो आप उसको कवर करके रखिए. एग्जैक्टली कवर करके रखिए, उसमें स्प्रे करके रखिए उस एरिया में कि भाई और कहीं से मच्छर ना आए. और यह है कि 1-1.5 दिन से ज्यादा अगर पानी है तो उसको फिर डिस्कार्ड कर दीजिए, दोबारा से भर के रख दीजिए. ज्यादा देर तक अपने पास स्टोरेज में पानी ना रखें. अच्छा। और यह है कि बाहर जो पानी है उस पर तो वो ऑयल वगैरह का स्प्रे करके एक फिल्म बना दी जाती है जो हम मलेरिया के ज़माने में भी करते हैं, तो उस तरह का कर दें तो उससे ये होगा कि मच्छर ऊपर तो आएगा उस पानी के अंदर अपने एग्स या वो चीज़ें नहीं दे पाएगा जिससे बारिश होती है जो कि उसमें आ जाता है. अच्छा, ये प्रिवेंशन आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अच्छा है 2000 या 1500 का हम लोग जो है टेस्ट करवा लें, क्योंकि जिंदगी से, क्योंकि बच गए तो कमा भी लेंगे, बना भी लेंगे, 2 लाख के खर्चे से तो बेहतर है. लेकिन उसमें मुझे उसमें भी इसके पानी की तरह ही जुमला याद आ गया कि ना पहुंचने से बेहतर है देर से भी अपने घर पहुंच जाओ. यानी कि जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हम यूं नहीं समझते कि हम वो गाड़ी बाइक चला रहे हैं कार चला रहे हैं, मतलब वो हेलीकॉप्टर जो ऊपर ऊपर से जा रहा है. तो वो बेहतरीन अमल है, आप थोड़ा स्लो जाओ, 20-25 मिनट, आधा घंटा बहुत ज्यादा यही हो सकता है ना. तो वो ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है. क्योंकि मुझे इस तरह एक चीज याद आ गई और हमारा काम है, हम जब यहाँ बैठते हैं तो हम वो अवेयरनेस दें, वो बातें रिपीट करें. क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है, हमारा जो यूं कहें कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो भी ये कहती है कि आप टच में रहें हर चीज के. जब तक आप उस अच्छी सोहबत का जब असर पड़ता है ना, तो वो अच्छी सोहबत इसमें भी शुमार होती है कि अच्छी बातें बार बार रिपीट करें. रिपीट करने से पता नहीं किसको कहां क्लिक हो जाता है. सायरा कितना अच्छा बोलती है हमारे साथ रह रहे के. थैंक यू. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये कि हमारी सोहबत का असर है. नो डाउट कि मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं, हम लड़ते भी हैं और कभी कभी हम लाइव भी जलवे दिखा देते. तो इन्होंने जलवा दिखाया था अपना. हमने चारों ने एक दूसरे को दिखाया है. बट वजह क्या है मैं बताती हूँ. हम लोग अपने घरों में भी रहते हैं तो दो बहनें भी लड़ती रहती हैं. बर्तन जहाँ होते हैं वो टिक टिक ना करें और टूटे ना तो मजा नहीं आता. और मोहब्बत का कहते हैं असर भी तब पता चलता है जब आपको उसका दुख हो और वो आपसे दूर हो तो उसके अहम. और सायरा जब लड़ाई के बाद हम एक दूसरे को मनाते हैं तो कितना प्यार हो जाता है. और लड़ाई कोई खास नहीं होती. और सायरा सवाल छीन लिया था, तुमने मुझे बात नहीं करने दी थी, तुमने मुझे बीच में काट दिया था, बस यही. अच्छा, उसकी गैर मौजूदगी में मोहब्बत दुगनी हो जाती है. उसकी गैर मौजूदगी में जब हम साथ होते हैं ना तो हमें इतना एहसास नहीं होता. मैं अक्सर अफशा के बारे में एक चीज कहती हूँ ना कि मैं कहती हूँ ये दिल की बंदी बहुत अच्छी है, इसको समझने की बस जरूरत है. तो बस चलो एक दिन आप भी आ जाइएगा. अच्छा, हम एक चीज देखते हैं क्योंकि शी इज अ डॉक्टर माशाल्लाह. तो चलो जरा डेंगू से थोड़ा हटते हैं. हम अक्सर देखते हैं लड़कियां
माशाल्लाह वो पढ़ लेती हैं, MBBS कर लेती हैं, हाउस जॉब भी कर लेती हैं, फिर शादियां हो जाती हैं और उसके बाद एक ऑब्जेक्शन आ जाता है कि जी तुमने प्रैक्टिस नहीं करनी है या तुमने कंटिन्यू नहीं करना. अब ये कितना चेंज हो गया है कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आएँ और प्रैक्टिस करें, क्योंकि MBA मेडिकल करना बिल्कुल आसान नहीं है. मेरी 3 बहनें डॉक्टर हैं और वो सर खुजा रहे होते हैं. इट्स नॉट ईजी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनके हस्बैंड्स ने उनको अलाउ भी किया हुआ है, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं. तो इसमें कुछ चेंज आया अब? जी बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है. मैं तो बहुत, मुझे खुशी भी होती है इस चीज़ में कि पहले ये चीज़ होती थी कि एक स्लोगन बन गया था कि लोग अपनी बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनाते हैं कि उनके अच्छे रिश्ते आ जाएं. ठीक है, अच्छा आगे वाली फैमिली ने नहीं करने दिया कुछ उसको, तो उसमें फिर ये तसल्ली दे दी जाती थी कम से कम चलो अपनी फैमिली को तो अच्छा रख लेगी, अपनी फैमिली को तो सिक्योर और हेल्दी करके चला लेगी. लेकिन आजकल क्योंकि एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट में आया है जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस उस नंबर 1 पे आ चुका है कि अब एक बंदे से गुजारा नहीं हो रहा घर का और दो लोगों को कमाना पड़ रहा है और सब है, और एक तो बंदे पे डिपेंड भी नहीं करना, डिपेंड करना भी नहीं चाहिए. और आजकल के हालात ऐसे हैं और इस तरीके से दुनिया फंस जा रही है कि दोनों लोगों को शादी के बाद मेरे ख्याल में दोनों को इंडिपेंडेंट अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए. एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही एक दूसरे को कुछ कंसीडर ना कर रहे हो, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और उस वे में फिर लड़कियों का रोल आता है इस चीज़ में. और माशाल्लाह से अब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज को सेटल डाउन करके उसके बाद वापस आ रही हैं. और हमारे मेडिकल के अपने इंस्टीट्यूशंस में और डिपार्टमेंट्स में भी इस चीज़ को बहुत इनक्रेज किया जा रहा है. और एक एवरेज हम लोग ये हिसाब लेते हैं कि चलें एक बच्ची है, अगर उसने 25 साल तक MBBS अपना कर लिया, उसके बाद फ़ौरन उसकी शादी हो भी जाती है, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आइदर या तो वो पहले ट्रेनिंग कर ले और फिर अपनी फैमिली कर ले उसको, लेकिन उसमें सपोर्ट चाहिए होती है, वो मिल गई तो सौ बिस्मिल्लाह. आप इस तरीके से चाहिए हाँ, शोहर उसके साथ है और सपोर्ट उसको फैमिली की है तो वो तो अच्छा है, वरना ये है कि पहले वो फैमिली कंप्लीट कर ले उसके बाद भी आ सकती है. एवरेज आपके पास 10 साल का टाइम होता है, 10 से 12 साल का टाइम कि आप इतने ब्रेक के बाद वापस आ जाएं और अपनी फुल वो दें तो आप दोबारा से रिसेंट डॉक्टर्स के साथ हो जाते हैं. मेरे ख्याल से आप हमें कुछ सुना भी रही हैं, लेकिन उससे पहले आपकी बात पे भी एक बात जहन में आ गई, क्योंकि जुमले के साथ जुमला जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो बड़ा मजा आता है. जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स बना रही हैं, अच्छा मुझे वो दिन भी याद है कि हमारी फ्रेंड्स बैठी होती थी, कहती थी नहीं यार, बेटी को बताती थी यार मेरी अम्मा ने ना इसको डॉक्टर बना दिया, कहती है डॉक्टर बनो रिश्ते बड़े अच्छे आएंगे. टीचर नहीं चाहिए, वो जो लेने आती थी, नहीं 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 टीचर्स नहीं चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए डॉक्टर्स. अच्छा फिर दौर चेंज हुआ, डॉक्टर्स ने मुंह लगाना छोड़ दिया, फिर अब डॉक्टर नहीं चाहिए, अब वो टीचर्स चाहिए. फिर वक्त गुजरा जो इस वक्त चल रहा है, कमाई वाली चाहिए और सबको पढ़ाना चाहिए, इनकी डिमांड है वर्किंग. एग्जैक्टली, सीरियस, ये आंखों देखी कानों सुनी बात बता रही है, होती जा रही है ना. एक एक अजी मुझे ना ये जो रिश्ते वाले खालाएं जो होती है ना, अल्लाह उनको पूछे, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको. मेरी सिस्टर के लिए अभी तो माशाल्लाह शी इज मैरिड और माशाल्लाह बड़ा खुश है अपने लाइफ में, शी इज अ डॉक्टर टू. एक रिश्ता आया, आप भी हंसेंगी, हमें डॉक्टर चाहिए लेकिन जो सिर्फ अपने खानदान वालों का इलाज करे, जो हमारे खानदान का इलाज करे. बहुत अच्छी बात, ये खुद गर्ज कौन, अच्छा बहुत जबरदस्त बात. मैंने कहा सारे मर्ज जो है ना, वो सारे जो डिजीज है ना, वो आपके इलाज में होंगे. बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं आप लोग. और इसी खुशी में जो है ना, इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही प्यारा पश्तो ट्रैक मौजूद है. जी कदरमन खगे खगे खबरें तासु गोर है और डेंगी पहाक लबानी जमुंग प्रोग्राम दे खुदा टीम यो द हारून बाचा डेर खुले ट्रैक मुंग सर रेडी दे रासे चे द हारून बाचा पगा के द खुले संदर आवाओ.
पल दर्द रात आदीगी पल दरमान रात आदीगी दमिनी किसे मकवई जाना रात आदी पल दर्द रात आदीगी पल दरमान काबल रान लाहिर नवी लगमान रात आदी काबल रान लाहिर नवी लगमान रात आदी तुम्हें किसे मकवई जाना रात आदी तुम्हें किसे मकवई जाना रात आदी पल दर्द रात आदी की पल दरमा रात मेरा वाला बारान रात आदी सड़ दशल मेरा वाला बारान रात आदी तमिन किसे मकवई जाना रात आदी तमिन किसे मकवई जाना रात आदी पल दर्द रात आदी पल दरमा रात आदी चिमाबाद कुसेद सरना ताला वास दर्ग चिमाबाद कुसेद सरना ताला वास दर्ग चिमाबाद कुसेद सरना ताला वास दर्ग चिमाबाद कुसेद सरना जाना नस्ता दखले खेरा कुर्बान रात आदी जाना नस्ता दखले खेरा कुर्बान रात आदी दमिन किसे मकवई जाना रात आदी दमिन किसे मकवई जाना रात आदी पल दर्द रात आदी पल दरमा قدر منو د هارون بچا پکک کی دا خسته سندره تاسو اوریدل لکه همیشه مونږه دا خبره کو چې د پی ٹی وی پروډکشن وی د پی ٹی وی دا خو د کی پی کی سنټر وچو په خبر غچې دا اغه پروډکشن تاسو کو ته د هارون بچا خسته سندره وا قدر منو لکه څنګه چې همیشه پاکستان ټایم د کراچي سنټر نه 2 بجې نه 4 بجې هر اتوار تاسو پدرانه خدمت کې مونږه حاضر قدر منو لکه څنګه چې زمونږ د ملک حالات وی اک شانتي مونږه پروگرام چې د اگست تاسو په خدمت کې وړاندې کوو د 14 اگست وی کده سیلاب په حق لوي کده ډینګي په حق لوي چې کوم هم حالات مونږه فیس کوو په هغه حق لمغه مل مخ پله استودیو ته بلنه ورکړی وی د اغنه ته پوسونه کول کنن سبا ډینګي چې ده په کی پی کې په خبر کې ډیر زیات خور ده او د اغه نه امواتم شوې دي لکه ډینګي یو بیماری ده یو داسې یو مچھر طویل کیږي چې هغه انسان چې کله اوچی
چی یا هغه باندې بایټو کی نو هغه نه پس چې د هغه په بیماری کې لاړ شي او که د بیماری بر وخت علاج نه وشي نو انسان د خپل ژوند نه لاس ومینځي. که درمنو خپل میلمانه موږ سره دا ټیم ډاکټر چې دا هغه محبوب جاوید داغه به یو ځل بیا ځنوم واخم دا ټیم په سټوډیو کې دا هغه نه موږ سوالونه تپوسونه وکړلو. که درمنو مچھر چې د خپل ځان تاسو ډیر زیات احتیاط وکړئ. دا هغه مچھر د یو سپیشل مچھر د تویل کیږي چې دا صرف په اوبو باندې په صفا اوبو باندې د دې پرورش کیږي او د دې علاج موږ تاسو ته وخیلو. د دې علامات څه دي؟ علامات دا ده چې په سر باندې ډیر زیات درد وي، په سترګو باندې درد وي او تبه ډیره زیاته وي، بدن کې درد ډیر زیاتی، سړی ته الټه ورځي. نو دا تاسو لایټ ماخه تاسو فورن خپل ټیسټ وکړئ. د ټیسټ نه پس په تاسو ته پته وچلیږي چې آیا دا تاسو ته ډینګي ده او ډینګي تر کومه پوزیشن پورې تللی دی. که درمنو یو ځل به بیا زه تاسو ته وایم چې دا هغه بیماری ده چې دی کې پلیټلیټس چې دی هغه ډیر زیات چې دی هغه راوغورځي کې د انسان هغه او وایټ بلډ سیلز د ته ویل کیږي. دا چې کله د انسان په جسم کې کم شي نو انسان چې دی د خپل ژوند نه لاس ومینځي. که درمنې یو سوال یو تپوس ما زما په ذهن کې دی، زه به د ډاکټرې اړخ ته د هغې نه به تپوس کو. میں میرے ذہن میں جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ڈینگی جو ہے نا کے پی کے میں اس وقت بہت زیادہ ہے، آپ بھی اس وقت ایک ہاسپٹل میں ہیں، تو آیا آپ کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بریک میں بھی کہا تھا کہ میرے پاس پیشنٹس کافی آ رہے ہیں، اور ہم یہ جب سنتے ہیں گھر میں کہ آیا ہاسپٹل میں جگہ بھی نہیں ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، میرے بھائی کو ہو چکا ہے، میں نے دیکھا ہے ڈینگی کا پیشنٹ جو ہے نا وہ بہت تڑپتا ہے اور وہ اسپائسی، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسپائسی کھلائے، تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ بڑا گوشت جو ہے نا بیف کا وہ نہیں پیشنٹ کو کھلانا. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے اور کیوں نہیں کھلانا چاہیے پیشنٹ کو؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پیٹ کو سیٹ رکھنا ہے، اور جب ہم گوشت دیتے ہیں یا کچھ گرمائش والی جیسے چنے کی دال فار ایگزامپل ہم لے لیں اور بڑا گوشت لے لیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے تھوڑی سی پیٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور آلریڈی وائرل فیور میں یہ چیز ویک ہو جاتی ہے، تو اگر وہ چیز ہضم نہیں کر پائے گا تو اس کو اس پہ انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے بیف اور یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے اگر کچھ بائٹس ہے اور کچھ جراثیم ہے جیسے ٹائیفائڈ، اور ان سب کے جراثیم بھی ان کے تھرو آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم فار دا سیف سائڈ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے ابھی اوائڈ کیا جائے. آپ چکن لے لیں، آپ چھوٹا گوشت کے بہت نرم کر کے اس کو ریشے کی صورت میں کھلائیے، اس کی یخنی پلائیے. ہم بیسیکلی پیشنٹ کو انرجی تو دیں گے لیکن نرم غذا سے دیں گے. اچھا دہی کا بھی استعمال منع کیا تھا کہ دہی نہیں کھلانی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دہی کا بھی، دہی دیکھیں ویسے تو پرو بایوٹک ہوتی ہے لیکن دہی کا استعمال اس وجہ سے شاید منع کیا ہو کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دہی جیسے سوٹنگ کرتی ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے، الرجک ہوتے ہیں، یا کچھ کو السر یا ایسے مسئلے رہتے ہیں جس میں دہی سے ان کی وہ چیز کیفیت بگڑ سکتی ہے، چھڑ سکتی ہے، تو پھر وہ وامٹنگ کی صورت اختیار کر لیں. لیکن یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، لیکن گلا والا خراب ہو، گلا وغیرہ خراب ہو سکتا ہے. اب اکثر میرے پاس ایک پیشنٹ ہے جو کہ دن میں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے دہی کے ساتھ ہی میں اسپغول بھی لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، میں دہی میں یہ چیز بنا کے کھا رہا ہوں اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا. اچھا یہ ڈینگی کی کتنی اقسامز ہیں؟ ایک ہی قسم ہے ڈینگی ڈینگی کے جو وائرس ہے اس میں یہ ہے کہ ڈینگی NS1 NS2 NS3 NS4 چار سیرو ٹائپس ہمارے سامنے آئے ہیں. مطلب یہ تفصیل سے بتائیں گے کیونکہ میں نے بھی سنا تھا، کیونکہ ان کی سیرو ٹائپس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ڈفرنٹ اقسام آ گئی ہیں، جیسے مطلب مچھر چاروں مچھر الگ 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 ہوتے ہیں، مچھر کے اندر جو وائرس آ رہا ہے وہ الگ الگ قسم کا ہے، مچھر فیمل ہے وائرس الگ الگ ہے. میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گی، مقصد ایک مچھر ہے تو وہ جو اپنا کام کر رہا ہے تو ون پہ یا ٹو پہ یا تھری پہ کرے گا، تو وہ چار مچھر ہوں گے نا جو ایک ون کا کام کر رہا ہوگا، ٹو کا، ایک تھری کا، ایک میں تینوں سیرو، ایک میں تینوں سیرو ٹائپس بھی آ سکتے ہیں. ہمیں یہی کلیئر کرنا ہے، ایک مادہ مچھر ہوتی ہے اور یہ صرف ایک فیمل مچھر ہی پہ ہے، اور اسی نے آگے انڈے دینے ہیں اور اسی نے افزائش کرنی ہے اور مچھروں کی بھی، اور جو انڈے وہ انفیکٹڈ دے دے گی، اب چاہے وہ میل نکل رہے ہیں، یہ پانی کے ذریعے دیے جاتے ہیں کہ بڑھتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری سیرو ٹائپس آ سکتی ہیں. یہ کوئی مچھر سلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے NS1 والا ہی وائرس لگانا ہے اور میں نے NS2 والے وائرس نام ہے، تو اس میں مطلب اس کے جو کاٹنے کا انداز ہے وہ چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے ایک پیشنٹ میرے پاس، فار ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے ایگزامپل دیتی ہوں کہ اس کا ڈینگی NS1 نیگیٹو ہے لیکن سمپٹم سارے اس کو ڈینگی کے ہی تھے، پھر ہم نے اس کی اینٹی باڈیز کروائی تو اس میں ہمارے پاس IgM ایکیوٹ انفیکشن کی اینٹی باڈی پازیٹیو آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسری سیرو ٹائپ تھی، NS1 نہیں تھا، ہم نے اس کو پورا ٹریٹ کر کے سیٹ کیا. وہ جو اس میں آ رہا ہے اچھا یہ کوئی مخصوص ان کے کوئی سیزن ہوتا ہے ان مچھروں کا؟ جیسے رینی سیزن کا ہے مین اس میں، اور یہ اب جیسے فلڈنگ ہوگی تو ایک دم دیکھیں یہ ابھر کے سب سے سامنے آ گیا، اس سے پہلے تو ہم ابھی کورونا سے نکل رہے تھے.
जी जी। अच्छा मैम एक और क्वेश्चन है आपके लिए थ्रू फेसबुक कि वो कह रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए अगर एक पेशेंट है उसको डेंगी है लेकिन वो हार्ट पेशेंट भी है और या वो डायबिटिक है या उसको हाई ब्लड प्रेशर है या वो प्रेग्नेंट है। सही, देखिए इसके अंदर तो सबसे बड़ी बात के शुरू के एक डेढ़ हफ्ता हमें पेन किलर की एहतियात करनी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये है कि हार्ट पेशेंट्स अगर एस्पिरिन ले रहे हैं तो उनका हमें फिर हम ज़ाहिर है एस्पिरिन उनकी रुकवा नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है पूरा वो चलता हुआ आ रहा है तो हम उसमें उनका पीटी एपीटीटी आईएनआर वगैरह टेस्ट करवा के चेक करते रहते हैं कि ब्लीडिंग टाइम वगैरह उनका कंट्रोल में रहे, ये ना हो कि वो खून पतला कर रही है यहाँ से इनके प्लेटलेट्स भी कम हुए तो उनको ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, तो बस इस किस्म की एहतियात है। बाकी सारा ये है कि कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ दवाइयाँ जिनकी लिस्ट आपको हर जगह पर मिल भी जाती है और वो हाँ प्रेगनेंसी में तो देखिए वैसे ही हम सेफ चलते हैं, हम प्रेगनेंसी में तो प्रेग्नेंट औरत को यही कह रहे होते हैं ना कि भाई आपने कोई दवाइयाँ हमसे पूछे बगैर और ऊट पटांग नहीं खानी है सिवाय मल्टीवाइटमिन में दर्द मस्ट होता है प्रेग्नेंट अक्सर दांतों का दर्द चढ़ जाता है तो हम बहुत देख कर उनको जो है ना कोशिश करते हैं कि भाई पैनाडोल से ही ये सेट हो जाए, कोई आप कोई 6-7 महीने बाद आपको इजाजत दे सकते हैं उससे पहले आपको बर्दाश्त करना है, उसके बाद हम उनको एंट एसिड भी अलाउ कर देते हैं क्योंकि एसिडिटी और वॉमिटिंग वगैरह होती है और शुरू के 5-6 महीने हम उनको एंट एसिड भी अलाउ नहीं करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी है कि जैसे कुछ दवाइयाँ जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, अब नाम उससे ले लूँ और कुछ लोग ले रहे हो बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो वैसे हम कहेंगे कि कुछ एंट एसिड ऐसे हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि फॉरन प्लेटलेट्स गिराती हैं, उन चीज़ों को हम अवॉइड करवाते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि गिराएंगी लेकिन कम गिराएंगी, तो हम अंडर अपनी सुपरविजन अगर उनको सुपर इम्पोज कोई इन्फेक्शन हो गए हैं और उस वजह से अब उनकी कंडीशन बिगड़ रही है तो वो कुछ इंडिकेशंस बन जाती हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में और डॉक्टर और पेशेंट के उसमें में ही हो सकता है, ये नहीं कि आपने घर में खुद ब खुद ही लेना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज खासतौर पर जैसे अभी हम लोग कोरोना से भी अल्लाह अल्लाह करके हमारी काफी जान छूट गई है शुक्र है मालिक का, उसमें भी एक टाइमिंग था कि इतने महीने रहेगा उसका ये स्टार्ट होगा फिर इसका बैक होगा इस तरह बच जाएगा, इसी तरह ये डेंगी भी है तो इस डेंगी का भी क्या प्रोसेस कितने टाइमिंग होता है कितने डेज होते हैं इसका? देखिए ये होता है कि 7 to 14 days का हम हिसाब रखते हैं। ओके 15 days तक का ये सारा होता है, 21 days के अंदर इस चीज को कम्प्लीटली रिकवर खत्म हो जाती है ये और उसमें और उसके बाद जो वीकनेस और वो सारे है तो वो समझे 1 to 1.5 महीने और शुरू के 3-4 दिन के बाद इसके सिम्टम सामने आते हैं किसी को बुखार पहले हफ्ते में ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक चल रहे होंगे, अब जब वो रिकवरी फेज में आएगा उसमें जाके उसके प्लेटलेट्स डाउन होने होते हैं और वहाँ फिर 1-2 दिन के हमें एडमिशन करके उसको जरा मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत सारे तो नहीं भी जाते जिनको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या है, तो हम लोग सेल्फ मेडिसिन पे जो चलते हैं हमें ये चीज बड़ा खतरनाक हमारे लिए साबित होती है। हमने डेंगी पे तो बात करी, जाते जाते एक सवाल करना और भी चाहूंगी क्योंकि डेंगी तो है ही है लेकिन आजकल टाइफाइड भी है, ये मुझे बताइए कि टाइफाइड कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और अगर इसका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो उसका क्या असरात मरता है? टाइफाइड बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और सेल्मोनेला टाइफाइड इसका ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू ये होता है और ज़्यादातर ये खाने की चीज़ें और गंदे पानी और इसके खाने की फूड बॉर्न डिजीज हम इसे कहते हैं और वाटर बॉर्न डिजीज हम इसको कहते हैं, इस तरीके से ये चीज़ मतलब गंदे पानी से भी होता है और बाजार का खाना खाने से बाहर का खाना खाने से ये इन्फेक्शन होता है, इसीलिए हम डेंगू के लोगों को पेशेंट्स को भी मना करते हैं कि भाई अभी बाहर का खाना नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना और कोई इन्फेक्शन जो कैरियर होते हैं लोग और हाथ की सफाई हाथ धोना धुलाना हाइजीन का प्रॉब्लम जिनको नहीं सही होता उनके थ्रू भी ये चीज फैल सकती है। और अच्छा अगर टाइफाइड डॉक्टर साहब है अगर तो उसका मतलब कम साइन आ रहा है उसका, डॉक्टर्स जैसे एक पेशेंट थे जिनका कम आ रहा था तो उन्होंने कहा कि बस ये दवाइयों से रिकवर हो जाएगा, तो इज इट पॉसिबल दैट यस वो दवाइयों से रिकवर हो जाता है, उनकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, हम यूजुअली 7 to 14 दिन का कोर्स करवाते हैं और वो रिकवर हो जाता है, कुछ जो क्रॉनिक कैरियर्स बन जाते हैं इस के उसमें यह है कि फिर हम ब्लड कल्चर्स वगैरह करवा के देखते हैं और ब्लड कल्चर ही इसका अब तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बाकी सारे टेस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा भाई अब ये जो क्रॉनिक कैरियर बन गया है ये ऑर्गेनिज्म इसमें तो वो कौन सी एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, फिर हम उस एंटीबायोटिक का 7 to 21 days के कोर्स करवा के उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देते हैं और एक दफा कम्प्लीट ये खत्म हो जाता है। चिकनाई की एहतियात, बड़ा गोश्त, चने की दाल, इस तरह की चीजों की, और सफाई सुथराई, ये तो हर चीज का बेसिक है। खाना मना करते हैं कि ना, इसीलिए कहते हैं कि डेंगू का पेशेंट भी बाहर का खाना ना खाए, क्योंकि मेरे पास 10 में से 3 पेशेंट ऐसे थे जो डेंगू से तो रिकवर कर गए लेकिन उनको टाइफाइड हो गया, पता चला कि वही हॉस्पिटल में उन बच्चों का जायका सेट नहीं हो रहा था तो उन पेरेंट्स ने बाहर से उनको बन कबाब या कुछ रोल ला के खिला दिया और दूसरे दिन हम कह रहे थे यार ये तो सेट हो गया। क्या वजह है? इंजेक्शन लगने के बाद जब पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाता है, जब मेडिसिन से वो रिकवर नहीं हो रहा होता तो फिर इंजेक्शन का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट जो है ना इंजेक्शन दे रहे होते हैं। जी जी, तो फिर उसके बाद जो है ना पेशेंट एकदम चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि मेरे भाई के साथ ये वाकया हुआ है, आज से मैं 6-7 साल पुरानी ये बात कहूंगी। फिर उसके बाद जो है ना मेरा भाई चिल्लाने लगा था कि नहीं जी मुझे स्पाइसी खिलाओ, मैंने नहीं खाना, और पेशेंट इस कदर चिड़चिड़ा हो जाता है कि मतलब आप घर वाले को जबरदस्ती वो फोर्स कर रहे होते हैं कि जी मुझे लाजमी खिलाना, और डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं कि नहीं जी कोई भी स्पाइसी चीज नहीं देनी वरना ये इंजेक्शन असर नहीं कर, और इंजेक्शन इस कदर महंगी कि आज से 7-8 साल पुरानी मैंने 18,000 की एक इंजेक्शन है, तो ये मतलब पेशेंट क्यों इस कदर चिड़चिड़ा हो जाता है कि नहीं खानी है मुझे स्पाइसी खानी है, वो इंजेक्शंस लगने के बाद ही ये सिचुएशन क्रिएट। वो आपको लग रहा होगा उस वक्त के इंजेक्शन लगने के बाद से ये चीज़ हो रही है, लेकिन ये होता है कि वो उसमें जो आपके माउथ का जायका कड़वा हो जाता है, ठीक है, आपको अब एक आपका खुद अपना हम अगर ले रहे हैं, अगर हमारी ये कैफियत चल रही हो कि एक तो हमारा जिस्म भी टूट रहा है, लागर हम अलग हो रहे हैं, मुंह का जायका भी ठीक नहीं, और फीकी फीकी चीजें आ जाने, कुछ चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी, और ये सारी चीज आ जाती है, ये हर चीज को फैक्टर बनती है इस कंडीशन में। अगर उसमें फिर हम ये कहते हैं कि चलो उसको बहुत ज्यादा आप घर की चीज कुछ ऐसी ले आए और उस पे थोड़ा सा लीमू छिड़क के उनका टेस्ट बेहतर, थोड़ा नमक, लीमू, मतलब लीमू जो है वो खतरनाक है, लेमन एंटीऑक्सीडेंट है उसके अंदर, तो हम कहते हैं कि आप दे सकते हैं उस हद तक कि गला खराब ना हो, तो बस थोड़ा बहुत मैं चाह रही हूँ कि इनके ना स्टूडेंट लाइफ की तरफ चलते हैं जरा, बिल्कुल, और अब हमारे पास आहिस्ता टाइम भी कम है तो थोड़ा हैपनिंग मोर। बस सर हम हल्का बस उनसे पूछना चाह रहे हैं, छोटे-छोटे सवाल, छोटे-छोटे जवाब, ताकि सब कर सके आपके बारे में, मुझे भी एक बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्री मेडिकल जब मैं कर रही थी तो हमें जी कॉकरोच बॉटनी और जूलॉजी में कॉकरोच की डाइसेक्शन और फ्रॉग की भी, तो आप लोगों ने तो माशाल्लाह डेड बॉडीज देखी होंगी और उनके ऊपर ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, सबसे पहले तो मेंढक पे होती है ना मेरे ख्याल से तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई 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 फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में अक्सर मजाक उड़ाया जाता है कि जी वो डरपोक है, उन्हें डर लगता है जब डेड बॉडी उनके आगे आती है तो बेहोश हो जाना, तो ऐसा कुछ कभी हुआ है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, खैर जो सही बात है, लेकिन जाहिर है ऐसे जिनके साथ हुआ है वो डॉक्टर नहीं बन पाते, लगता है इनके साथ हुआ इसीलिए डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हो जाता है किसी किसी के साथ ऐसा, एक ये होता है उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि भाई उनकी खुद अपनी तबीयत वैसे खराब हो रही हो और उनको उस जगह पे ले लाया जाए, कुछ में खौफ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जाहिर है आप एक एनवायरनमेंट में जब रहते हैं और आपने तैयार कर लिया है की आदत हो जाती है, फिर आदत में हम मैं भी एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि माशाल्लाह मुझे तो डॉक्टर साहब काफी खुश मिजाज लग रही है क्योंकि उन्होंने आते ही मतलब चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, तो मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़े रूड होते हैं, तो जो बहुत बड़ी उम्र के हो जाते हैं वो रूड होते हैं, नए वाले नहीं होते, नहीं एज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो कोई पेशेंट जाता है तो वो डॉक्टर्स कहते हैं अल्लाह करे, हम अंदर से दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह करे डॉक्टर अच्छा हो या अच्छी हो, वो हमसे सही तरीके से बात कर ले, हमारी प्रॉब्लम जो है वो समझ ले। हाँ, तो इस हवाले से बताइएगा कि पेशेंट के लिए कहते हैं बेहतरी के लिए डॉक्टर का खुश मिजाज होना कितना ज़रूरी है? मैं कहती हूँ कि 70% जो है ना, अब हमारी जो नई स्टडीज भी आगे आ गई हैं उसमें यही है कि 70% काम है काउंसलिंग, अच्छा 30% काम आपकी मेडिकेशन और डायग्नोसिस करता है आजकल का जो हालात है, तो उसमें यह है कि खुश मिजाज होना आजकल बहुत जरूरी बहुत है जरूरी। लेकिन यह है कि दोनों तरफ से कहानी चलनी चाहिए ना फिर सही। अच्छा, अब कभी ये होता है कि आपकी खुश मिजाजी की वजह से जो है ना पेशेंट आपके सुन भी नहीं रहा होता, नहीं उसकी बात सुने तरीके के साथ देना जो है ना वो वाकई आजकल कुछ हो गया नहीं होते डॉक्टर जब स्टार्ट होता है फिर सिखाया जाता है तो उस वक्त मेंढक पे सारा, क्योंकि इंसान का फिगर और मेंढक का फिगर, हालांकि मेरे मेडिकल से कोई वाबस्ता नहीं है, मैं करना भी नहीं चाह रही थी, मैं इंजीनियरिंग के बहुत शौकीन थी, बहरहाल
नसीब की बात है, तो वो कर रहे थे, तो मेरे कजन ने बताया जब वो वहां खड़े हुए और सब कर रहे थे तो एक लड़कियां या लड़कियां साथ होते हैं, अब मेंढक में रहते तो उनके हाथ कांप रहे थे इस तरह, तो उन्होंने कहा कि मेंढक पे तो वो जब कटिंग शेटिंग कर रहे थे तो वो औजार उनके हाथ में थे और यही हालत थी, तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ रखे, नहीं सर मेंढक हिल रहा है, मतलब मेरे हाथ नहीं हो रहे मेंढक हिल रहा है, तो फिलहाल ये तो एक जस्ट मेंढक हिल रहा है। लेकिन उससे पहले ये कि आपको जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कहते हैं कि इस फील्ड में आना एक पागलपन की निशानी होता है, कि बड़े पागल से लोग होते हैं ये, और जो क्रेज खड़ा दिमाग में रख लेते हैं तो आकर पहुंचते हैं, तो आपको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ये इस तरह की थी कि मतलब मुझे बताना चाहिए, काउंसलिंग करना या मोटिवेशनल स्पीकर, ये चीजें होती है ना, वो भी आपके इसी मीडिया से कंसल्ट होती है, तो आप देखिए माशाल्लाह से आपने ये किया, तो कभी शौक था कि मुझे जाना है टीवी पे कि किसी ने किसी बहाने से आ गए? शौक तो जाहिर था, और मैं अपने टाइम पे डिबेट्स और मोटिवेशनल स्पीकिंग मैंने बहुत की है, अपने स्कूल टाइम में भी, कॉलेज टाइम में भी, मेडिकल में चांस मिला जी, और मेडिकल में ये था कि जाहिर स्टडी की तरफ जरा ज्यादा ध्यान था तो फिर थोड़ा सा हट गए थे, लेकिन ये है कि इस तरह की चीजों में काफी एक्टिव मैं रही हूँ शुरू से। तो बस वो ये कहते हैं कि हमेशा आप जो चाहते हो ना आप उस पे फोकस, उसी फोकस होता है, हाँ कामयाबी आपका मुकद्दर है, सारी होता है टाइम की किल्लत, आप शुरू बिल्कुल जी, टाइम खत्म हो गया है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, एंड मैं आपको एक चीज कहूंगी कि इन्होंने कहा कि ये ऑन स्क्रीन बहुत कम कम आती हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप ऑन स्क्रीन ज्यादा आया करें मुख्तलिफ चैनल्स में और स्पेशली पीटीवी में, और कान में मेरे जोर जोर से बज रहा है कि कुछ छोटा सा मैसेज दे दें। आजकल के लिहाज से मेरा यही सबको मैसेज होगा कि थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर हर कोई पैदा करे, आजकल का जो हालात चल रहे हैं, और एक दूसरे के लिए जो आप पर्सनली कर सकें वो ज़रूर कीजिए, 1% जो आप कर पाएंगे क्या पता वो किसी की ज़िंदगी भी बचा दे और किसी के लिए अच्छा कर दे, एक अच्छा बोल किसी को हौसले का देने उसकी लाइफ सवार सकता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एक्शंस की हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरा भी मशवरा सबके लिए और एक यही नसीहत भी कह लें, एडवाइस भी कह लें कि प्लीज़ अपनी तरफ से जो अच्छा कर सके वो ज़रूर करें, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, जो लम्हे हमारे पास हैं हम उससे फ़ायदा इसी चीज़ के बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात, हाँ थैंक यू सो मच सारा जी। कदरमनो लका संग अच्छी तासुदा प्रोग्राम कतल और नन जमूंगा प्रोग्राम पर डेंगी बांधे हो, कदरमनो पाकिस्तान टाइम के बाद इंशाल्लाह बल इतवार तासु सरबिया मुलाकात कीगी। द डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी। कदरमनो लका संग अच्छी डेर को खबर उकड़ी चीज जवन डेर कीमती दे दखपल जिंदगी का डेर ज्यादा सो ख्याल साथ है, बोले अगर यू मिसाल दे कहना चीज जान है तो जहान है। कदरमनो दे सरा सरा पाकिस्तान टाइम के फरजाना अफरीदी तब बता सुरा का इजाजत जुबदा अफशा अड़ाता जी अफशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन प्रोग्राम का वेला हो गया खत्म और मुक मुका गया और किस तरह पर ला के जरा वक्त उड़ गया, और डॉक्टर महवी जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत माहिराना राय दी और बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही, बल्कि यूं कहूँगी कि सैर हासिल गुफ्तगू रही। तो जी नाजरीन ऐसी साढ़ा आज का प्रोग्राम और डॉक्टर साहबा की गल ही कोट करांगी क्योंकि आज का साढ़ा प्रोग्राम भी कहते ना सेहत के हवाले के नालेगा सी कि एक दूजे की केयर करो और एक दूजे की मदद को यकीनी बनाओ, कहते हैं कि लोगों के विच अपने आप में शुमार ना करो, कहते ना लोग जड़े ने लोग तो बथेरे गए ने लेकिन इंसान जड़े ने वो बहुत घट ने। ऐसी वक्त एक शेर मेरा अपना याद आ रहा है कि मिलते हैं जो रस्ते में हमें लोग हजारों, मिलते हैं जो रस्ते में हमें लोग हजारों, इनमें ही से शायद कोई इंसान निकल आए, इनमें ही से शायद कोई इंसान। नाजरीन टाइम जी वाकई खबर न पई आई इंजॉय भी कयो सी मजो भी कयो सी हा आई जेको आ डॉक्टर साहब का ढी सुठी गाली थी, डॉक्टर साहब मेहरबानी लख एहसान असाए गाय बगाए सदींदा रही घुराइंदा रही पान वीदे वीदे बस सिर्फ एतरो सिर्फ वीदे वीदे एतरो थी चवान त हमेशा जो बे जिला सुठो सोचो तुझे सुठो थी वो जरूरत को पवी है तक पान सुठो करण की अल्लाह चे तो तू बे आसानी पैदा कर और तुझे आसानी पैदा कर दो आसान सो सौदो आ इंसान के करण घुर्ज वण उगा वण ठाओ वण गैलरी के जरिए पौधन के जरिए रखो जरूर रखो इन वो फर्क पवन सो आंदस पर वींदे वींदे चापी मुख्य इशारो पी कर हदील है ना हदील तू कर चाहती तो पा नारो हणू। हाँ बिल्कुल गुले चारुका या क्वेश्चन सोते आरिफ बलूची आवाज़ आरा गोश पिदारे और अमर बदे इजाज़त जी सायरा।
सो सैन अली खान के इजाजत दियो ऐ वीदे वीदे पाकिस्तान जिंदाबाद उनके सदी दो का आसमां दिले दस्ता उनके सदी दो का आसमां दिले दस्ता ऐ जमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता ऐ जमा कोता जिंदग तहमका दिले दस्ता उनके सदी दो का मका दिले दर्द उनके सदी दो का